Yes, good evening to all of you, friends. We'll start the class at 9 p.m. So, some four more minutes to go. Three more minutes. 30 seconds.

क्लास में जो भी एजुकेशनल डाउट है आप एक नोट पेन में लिख दो और फिर क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे गूगल फॉर्म से पूछ सकते हैं जिसका लिंक ऊपर दिया है सारे वीक में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो अगले वीक में उसके जवाब कंबाइंड बनाकर डाल देता हूँ तो हम लोग पढ़ रहे थे आर की मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स वहाँ पर क्वान्टिटेटिव टूल्स में कल रात हमने सी और एस पढ़ा था उसके बाद कुछ मिसेलेनियस टॉपिक्स विद इन दैट सी आर बाकी थे जैसे सी आर आर एग्जामेशन ऑन सर्टन लोन्स इंक्रीमेंटल सी आर आर वो अभी देखेंगे उसके बाद हम लोग दूसरे क्वांटिटेटिव टूल्स समझेंगे जैसे बैंक रेट क्या होता है एम क्या है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का ये रेपो रेट क्या है रिवर्स रेपो रेट क्या है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑपरेशन ट्विस्ट एम एस एस मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम देन एल टी आर ओ टी एल टी आर ओ स्पेशल विंडो फॉर म्यूचुअल फंड ट्राई पार्टी रेपो रेट वगैरह सो वन बाई वन वी विल सी दम लेकिन उससे पहले कल रात जो हमने पढ़ा था इन अ फंक्शनल इकोनॉमी द मनी मल्टीप्लायर इज ऑलवेज ब्लैंक ऑप्शन ए लेस देन वन ऑप्शन बी ग्रेटर देन वन ऑप्शन सी इक्वल टू वन ऑप्शन डी इक्वल टू जीरो या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं आपका समय शुरू होता है अब <clears throat> गरिमा रूपाली अवनी मनीष शालिनी जारवीस अक्षिता तरुण अमन वैभव प्रशांत मनोज मेहुल राहुल कुलदीप पंकजार्यन नीलेश रचना निखिल शुभंकर श्रेय अवरंतिका सौरभ दीपाली राहुल क्षितिज देवेंद्र निशा प्रिया अखिलेश माधव यश चित्रंजन आशीष आचार्य कृति वैशाली अभय अश्विन श्रेयस साहिति देवेंद्र मीनाक्षी अंश इसके अलावा विशाल रणप्रीत किरण इग्नोरेंट ब्लॉक सुमित ब्रोज मैश टारगेट यूपीएससी नवीन विवेक शुभमेनादर्श अच्छी बात यह है कि आप में से 82 परसेंट लोगों ने इसको सही टिक किया है बाकी जो लोगों ने नहीं किया वेल दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स जो हमने कल रात पढ़ी थी और फिर सुबह उठ के आपने एक बार आराम से पढ़ लेना चाहिए इन अ फंक्शनल इकोनॉमी हमने पढ़ा था सपोज हम लोग सी आर आर को हंड्रेड कर देते हैं यानी कि पहली बैंक में लोन में पैसा है वो किसी को लोन में पैसा दे ही नहीं सकती तो वो इकोनॉमी फंक्शन ही नहीं कर सकती देर फॉर इन अ फंक्शनल इकोनॉमी वट विल है सी आर आर विल ऑलवेज भी लेस देन परसेंट तो उस हिसाब से मनी मल्टीप्लायर विल ऑलवेज बी समथिंग लाइक टाइम्स टाइम्स कुछ भी वो वन नहीं होगा इट विल ऑलवेज बी बी ग्रेटर देन सो द आंसर इज फंक्शनल इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर हमेशा एक से ऊपर होता है और ये क्यों करना है क्योंकि क्लियरली उन्होंने एनसीआर में ये बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखा है सो वी हैव टू प्रिपेयर अनदर क्वेश्चन इफ द आरबीआई गवर्नर कंटिन्यूसली कीप्स रिड्यूसिंग द सीआरआर एंड एसएलआर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब हिज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट वन टाइट मनी पॉलिसी स्टेटमेंट टू डियर मनी पॉलिसी स्टेटमेंट थ्री इजी मनी पॉलिसी स्टेटमेंट फोर एक्सपांशनरी मॉनिटरी पॉलिसी और फिर आंसर कोड है ओनली वन एंड टू ओनली थ्री एंड फोर ओनली टू एंड थ्री ओनली थ्री या फिर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं तो फिर से आपका वक्त शुरू होता है अब अभिषेक अपूर्व मोनालिसा सर्वेश वसीम विकी यामिनी श्रेयांश श्रेयवत्स साकेत प्रत्युषा पुष्पेंद्र मुकुंद मिलन नकुल अपराजिता तन्वी अमीन तीना नवाजी त्रिपाठी सत्याशालू विपिन सुमित अनिरुद्ध फरहाज फराज क्रिस्टी पूजा निखिल रविंद्र जयदीप ओमर हिमांशु अंशु अदिति भव्य अनुराग दीत मामिक वर्मा किरण विक्रम रूपाली स्वतंत्रता राजेश निशा फिर विशाल रणप्रीत इग्नोर ब्लॉक सुमित ईशानवदीप किरणित आंसर आर बी आई गवर्नर सी आर आर एस एल आर को कम कर रहे हैं तो सी आर आर एस एल आर कम करेंगे तो क्या है सौ रुपए डिपोजिट में आए पहले जितने जाते थे सपोज चालीस जाते थे सीआरआर तो सपोज बीस रुपए ही सी तो आर आर एस एल आर यानी अगर नल चालू करोगे पानी का लोन वाला तो पहले से ज्यादा पानी आ रहा है तो नल अपना टाइट नहीं है तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बोल सकते तो ऑप्शन ए चला गया डियर मनी पॉलिसी भाई जब भी हम सीआर आर रिड्यूस करेंगे तो लोनेबल फंड बढ़ते हैं तो लोन इंटरेस्ट रेट ब्याज दर कम होते हैं तो वो पैसा बहुत महंगा नहीं होता बोरो करने के लिए महंगा होगा तो हम बोलेंगे इट हैज बिकम डियर हाँ क्योंकि आसानी से बहुत सारा पैसा मिल रहा है अब सस्ते ब्याज दर पर एक्सपांशनरी मॉनिटरी पॉलिसी वर्ड विस्तारवादी क्यों क्योंकि पैसों का विस्तार हो रहा है लोनेबल फंड्स बढ़ रहे हैं यानी इजी मनी पॉलिसी चीप एक्सपांशनरी डॉविश ये सब सिनोनिम है उन सब में जो भी काम होता है बेसिकली हम मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं लोन सस्ते कर रहे हैं सो देर फोर द आंसर इज बी थ्री एंड फोर ओनली मित्रों अपनी लाइफ में प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए प्रायोरिटी नंबर वन डे वन में से क्या करना चाहिए पहले हमने कोई सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए फिर आगे चल के जब काम वो खत्म हो जाए फिर थोड़ी थोड़ी मेन्स आंसर राइटिंग करनी चाहिए उसी प्रकार आरबीआई ने भी अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर दी है कि पहले दिन से तो मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूंगा टू टू सिक्स परसेंट रेंज में और वो काम जब हो जाएगा आफ्टर द फर्स्ट प्रायोरिटी डन तो फिर मैं जीडीपी ग्रोथ रेट को बूस्ट करने की कोशिश करूंगा अब समझते हैं ये क्या है जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद यानी कि इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर एक साल में अपने भारत देश में कितने वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है 2018 में पता चला 139 लाख करोड़ रुपीस का उत्पादन हुआ है और उसके बाद 2019 में पता चला 146 लाख करोड़ रुपीस का उत्पादन हुआ है तो मतलब ग्रोथ रेट कितना है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 2019 कितना आप बोल सकते हैं तो प्रीवियस ईयर में कितना था और ऊपर आप जैसे प्रॉफिट निकालते हैं ऐसा इधर से निकालो वन थर्टी नाइन के ऊपर वन फोर्टी सिक्स कितना हमको प्रॉफिट हुआ अगर हम सीधा गणित का एग्जाम्पल uh, होता तो ऐसे गिनते यहाँ पर क्या है जीडीपी ग्रोथ है तो पहले जो आपके जीडीपी था या आपकी हाइट थी या कुछ उसमें अब कितनी बढ़ोतरी हुई है सो जी डी पी इन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई जी डी पी इन प्रीवियस ईयर तो जवाब मिलता है कितना फाइव परसेंट यानी कि अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है फाइव परसेंट सो लाइक दैट यू कैन वर्क आउट अब उसको बढ़ाकर हमको सपोज करना है सेवन परसेंट टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक काम हो सकता है कि लोन सस्ते कर दो ताकि लोग बहुत ज्यादा कार खरीदे घर खरीदे ई पर सामान खरीदे तो स्वाभाविक है फिर कार की डिमांड बढ़ेगी तो कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कार फैक्ट्रियों में लोगों को काम मिलेगा ओवर टाइम मतलब सपोज छः घंटे के बदले दस घंटे भी काम करने के लिए बुलाएंगे और ओवर टाइम में उसको मारुति कंपनी वाले ज्यादा पैसा देंगे और फिर ऐसे वर्कर को क्योंकि अब नौकरी मिल रही है सैलरी मिल रही है तो वो पहले से ज़्यादा विमल गुट का डिमांड करेंगे तो विमल गुटखा का, का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जी में तो क्या है इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसज प्रोड्यूस्ड तो आप शराब बनाओ या गुटखा इट इज ऑल पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमिट सो अल्टीमेटली वी विल से हाँ भारत देश का जी बहुत बढ़ गया है यानी कि मैं जो आपको बता रहा था प्रायोरिटी आरबीआई की पहली तो यह है कि महंगाई को काबू में करो टू टू सिक्स परसेंट अगर उस रेंज में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो फिर हमने क्या करना चाहिए जी को बूस्ट करने के लिए कुछ काम करना चाहिए और उसका तो एक ही रास्ता है लोन को सस्ता किया जाए सो थिंकिंग ऑन दैट लाइन आप पाएंगे टू में सी था 4 परसेंट उसके बाद जितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी बनी उन लोगों ने रेपो रेट चेंज करते रहे एस चेंज करते रहे लेकिन सी को 4 परसेंट पे ही रखा था बढ़ते बढ़ते हम लोग आते हैं टू और वहाँ पर भी मार्च महीने में तो आर ने पाया कि ये कोरोना क्राइसिस के चलते देर हैज़ बीन अ ग्रेट स्लो डाउन इन द इकोनॉमी तो अब लोन को हमने बहुत सस्ता करना है इसलिए उन्होंने रेपो रेट भी कम किया और बाकी सब भी काम किए बट इस बार उन्होंने सी को भी कम कर दिया सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे रिड्यूस द सी तो मतलब वैसे तो क्या इन्फ्लेशन से या डिफ्लेशन से लड़ने के ये काम

क्योंकि इन पुराने दिनों में बैंकों के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम धांधलिया होती थी मैनी बैंक टू कोलैप्स इसलिए आर ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रह के ज्यादा सेफ्टी के नाम पर बहुत ज्यादा सीआर रखता था लेकिन फिर धीरे धीरे सब चीजों को उसने बड़ा बेहतरी से रेगुलेट किया देन अगेन समटाइम्स क्राइसिस इंक्रीज तो फिर वापस उनको लगा सी आर आर करते हैं फिर वापस गिराया वगैरह सो दैट इज सी अब इसमें और नई क्या चीजें हुई

लास्ट ईयर आपको पता होगा गाड़ियों का सेल कोरोना आने से पहले भी बहुत ही कम हो गया था थाउजेंड टेम्पररी जॉब्स कट ड्यू टू स्लो डाउन इन मारुति सुजुकी तो गवर्नर ने यह भी सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा मतलब ये जो लोन जा रही है मैं और इसको कैसे इंकरेज करूं हाउ कैन आई इनकेज द डिमांड कंजम्पशन ग्रोथ इन द इकोनॉमी इसलिए 2020 में एक और सॉल्यूशन उन्होंने निकाला जिसको बोला गया सीर आर इसको समझते हैं अब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा तुम मुझे खुद दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इधर गवर्नर ऐसा बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस सबको कि तुम मुझे खुद मत दो लेकिन मैं फिर भी तुम्हें थोड़ी आजादी दूंगा आजादी किस में से ये सीआरआर में से बशर्त है कि आप लोन दीजिए मैं कहूं वो वाले सेक्टर में पहला सेक्टर है रिटेल लोन फॉर द ऑटोमोबाइल्स रिटेल लोन फॉर ऑटोमोबाइल मतलब आप कार खरीदने के लिए जो खुद से लोन ले रहे हैं वो रतन टाटा फैक्ट्री कार की बनाने के लिए लोन ले इसकी बात नहीं कर रहे हैं रेसिडेंशियल हाउसिंग या होम आसान शब्दों में कहे तो घर खरीदने के लिए लोन दो तीसरा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज छोटे मध्यम लघु उद्योगों को लोन में पैसा दो अगर आप एक्स डेट से लेके वाई डेट तक ट्वेंटी ट्वेंटी में इन तीन सेक्टर में जितना लोन का पैसा देते हो वो रकम को मैं अगले पांच सालों के लिए आपके सी कैलकुलेशन में से माइनस करवा दूंगा अब इसकी इम्प्लीकेशन समझते हैं। सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सेवनटी नाइन करोड़ रुपीज लोन में घुमाने के लिए थे उसमें से उन्होंने हो सकता है करण जौहर को मूवी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ दिए हो सपोज समी एट करोड़ और समथिंग और ऐसा करते करते सपोज सिर्फ दस करोड़ के लोन उन्होंने ये तीन सेक्टर में दे दिया रिटेल लोन Residential हाउसिंग लोन एमएसएम तो बस आंकड़ा हाइपोथेटिकली कि इनमें से 10 करोड़ के लोन ये तीन सेक्टर में दिए गए हैं अब आर क्या बोलता है ये 10 करोड़ को मैं माइनस करवा दूंगा आपके सी आर में से अगले 5 साल के लिए वो कैसे कि आपका जो एनडीटीएल है सपोज सौ करोड़ लेकिन उसमें से अब 10 करोड़ तुम माइनस कर दो क्योंकि आपने ये तीन क्षेत्रों में 10 करोड़ का लोन दे चुके हैं तो सौ में से दस माइनस करो तो बच गए मतलब ऐसा ऐसा नहीं 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 कि इधर आपने ग्राहक को वापस नहीं देने, ऐसा कुछ करना है वो कितना 3 तो पहले हम लोग थ्री परसेंट ऑफ हंड्रेड करोड़ निकालते थे तो तीन करोड़ अब हमने थ्री परसेंट ऑफ कितना एनडीटीएल है नाइनटी करोड़ ही गिनना है

सो इट विल्प इन जॉब क्रिएशन बूस्ट इकोनॉमी एंड सो मैनी थिंग जब आरबीआई रियल में यह सब नोटिफाई करता है तो उन्होंने बहुत ही लीगली करेक्ट रूप से नोटिफाई करना पड़ता है दैट दे कैन स्टार्ट क्लेमिंग द फर्स्ट डिडक्शन फ्रॉम एनडीटीएल ऑफ फोर्टी फेब्रुआरी ट्वेंटी ट्वेंटी एन अमाउंट इक्वी वेलन टू इंक्रीमेंटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एज द पीरियड ऑफ दिस 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 ये सब असल में कैसे वो लीगली इसको एक्सप्लेन करते हैं हमारे लिए काम करना है अगर मैं आपको कहूँ कि अभी घड़ी में नाइन बजकर फिफ्टीन मिनट हुए हैं तो क्या है बस घड़ी में देख लेना है कि नौ बजकर पंद्रह मिनट क्या हर बार उसको खोल के ऐसे देखना पड़ेगा कि हाँ वो ऐसे चलती है और वैसे उसमें पुर्जा दिखाता है हाउ डज इंडिविजुअल गर्व गियर वर्क इन द रिस्ट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट सिमिलरली हाउ दे एक्चुअली काउंट फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स फ्रॉम द डेट ओरिजिनल और द टेन्यर ऑफ द लोन एवर इज ये सब हमारे लिए इतना काम का नहीं बेसिक ने सफिशियंट की ऑटोमोबाइल हाउसिंग एम एस एम ई को लोन देना है और उतना पैसा एनडीटीएल में से माइनस करवाते हैं ताकि सी आर आर की अंदर पैसा कम रखना पड़े और आप ज्यादा लोन में घुमा सकें सो दैट इज सफिशेंट ऐसा नहीं कि यूपीएससी एग्जामिनर इंटेलिजेंट नहीं है कि वो टफ क्वेश्चन नहीं निकाल सकता नो ही इज इंटेलिजेंट इनफ लेकिन वो ज्यादातर प्रश्न इजी टू मीडियम कैटेगरी के क्यों होते हैं ताकि हर एक सिंसियर एस्पायरेंट को इक्वल चांस मिले चाहे ये जो लोग बैठे हैं स्मॉल टाउन से जिनके पास ट्वेंटी फोर बाय सेवन एक्सेस टू करंट अफेयर कंप्यूटर वो सब नहीं है या फिर कि ऐसे लोग जो शहर में बैठे हैं और ट्वेंटी फोर बाय सेवन या लैपटॉप मोबाइल और टैबलेट में ही पढ़ाई करते हैं सबको वो इक्वल चांस देता है अफकोर्स देर विल बी सम टफ क्वेश्चन बट इजी मीडियम क्वेश्चन आप ठीक से कर पाए तो आसानी से कट ऑफ के ऊपर तो निकल सकते हैं सो देर थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो एक टॉपिक में घुस मत जाओ आर बी एस सी एग्जामिनर चाहे तो वो बहुत होशियार है वो चाहे तो ऐसे टफ क्वेश्चन भी निकाल सकता है कि लेडी श्रीराम कॉलेज में से जिसने एम ए इकोनॉमिक्स किया हो या जिसने आई एम अहमदाबाद से एम बी ए फाइनेंस किया हो वो सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर सके ऐसा टफ़ पेपर भी निकाल सकते हैं लेकिन वो नहीं निकालते क्यों क्योंकि उनका काम है कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए सो जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक मोटिव मैकेनिज्म मूव टू नेक्स्ट टॉपिक प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या चीज़ है ये बेफिजुल में बहुत सारे लोग डेली ये वो करते रहते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट ये जो हमने पढ़ा सी आर आर एस एल आर बैंकों ने रखना है तो मतलब किस बैंक ने रखना है हम लोग आगे पिलर वन बी डैश वन में पढ़ेंगे बैंकों का और नॉन बैंक्स का क्लासिफिकेशन ये सब को बोला जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स उसमें एक तरफ होते हैं बैंक बैंक के भी दो प्रकार होते हैं एक होता है कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक के अंदर भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या नॉन शेड्यूल क्या वो सब भी देखेंगे बट उस लेक्चर तो पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के फॉरन बैंक रीजनल रूरल बैंक लोकल एरिया बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक ये सब लोग तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि सी आर आर एस एल आर ये थ्री परसेंट एटीन परसेंट किसकी बात हो रही है इन लोगों के ऊपर फोकस है वट अबाउट अदर टाइप ऑफ बैंक ये जो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक है और यहाँ पर ये जो आर आर बी है रीजनल रूरल बैंक तो आर बी आई ये रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक पर थोड़े अलग से नॉर्म लगा सकता है कि आपने एनडीटीएल ऐसे गिनना है या आपने 15 नहीं इतने दिनों तक की गिनती पर इतना मेंटेन करना है वगैरह वो एग्जैक्टली exactly नॉर्म्स क्या है वो सब हमको तैयार करने की जरूरत है आप 1991 से अब तक के यूपीएससी के सारे पेपर इवन उठा के देख लो उन्होंने इतनी बारीकी से पूछा भी नहीं कि कौन से बैंक पर कितना लगता है सो डोंट वरी दिस इज जस्ट जनरल बेसिक आइडिया दैट डिपेंडिंग ऑन सर्टेन टाइप ऑफ बैंक्स इट कुड बी डिफरेंट नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीमेंटल सी आर आर यह मुद्दा क्या है मान लीजिए डीमोनेटाइजेशन से पहले डीमोनेटाइजेशन कब हुआ 2016 नवंबर में तो उससे पहले के जमाने में सपोज ऐसा सीन था कि पब्लिक सौ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करती थी और उस पर एस वाला उसको सेवन परसेंट ब्याज देता था और फिर मान लीजिए उस जमाने में ये सी आर कुल मिलाकर ट्वेंटी टू रुपीज था और बाकी लोनेबल फंडी एट रुपीज लोन में घुमा रहे थे और वो जब लोन में घुमाते थे तो मान लीजिए उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करता था नाउ व्हाट ड्यूरिंग द क्या बोला गया कि ये नवम्बर डिसंबर के अंदर आपके पास पांच हजार के जितने पुराने नोट हैं आपने वो बैंकों में जमा करने और उसके सामने बैंक वाले आपको दूसरे नोट देंगे तो अचानक से पब्लिक के पास जो हाथ में भी पैसा था करेंसी विद पब्लिक उसमें भी पांच के जो नोट होंगे वो सब भी अब गया एक तरफ स्पेकुलेटिव मोटिव ट्रांजेक्शन मोटिव प्रिकॉशनरी मोटिव सारा पांच सौ हजार का नोट है हमने जाके बैंक में डालना है तो ऐसा करके जो पहले मान लीजिए सौ सौ रुपए डालते थे उन्होंने अब सपोज एक हजार रुपए डाल दी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी तिजोरी अब तो भर जाएगी इतना 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 सारा पैसा आ जाएगा बहुत सारा पैसा आ जाएगा और यहाँ पर भी सपोज ट्वेंटी टू परसेंट कुल मिलाकर सी आर आर एस एल आर मेंटेन करना है तो सौ रुपए पर बाईस तो एक हजार रुपए पर कितना दो सौ बीस रुपए सी आर आर एस एल आर रखेंगे और बाकी बचा 780 रुपीज वो लोन में घुमाने के लिए है लेकिन अब प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि जो पब्लिक ने एक हजार रुपए डाल दिए तो वो तो एक्सपेक्ट करेंगे हमको सेवन परसेंट इंटरेस्ट दो बट सामने इतना सारा पैसा आ गया तुरंत कोई लोन लेने वाला ग्राहक नहीं मिला तो सो द डाउट इज लाइक दिस नाउ वट एवर आर दॉरवर्स मुझे इतना पैसा चाहिए ही नहीं लोन में सेवन एटी रुपीज या सेवन एटी करोड़ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम यह होती है इफ नो वन टेक्स द लोन देन हाउ कैन आई पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर ये लोग बोले मुझे सेवन परसेंट मिलना चाहिए अगर लोन का इतना पैसा नहीं घुमा पाऊंगा तो डिपोजिट वालों को मैं ब्याज चुकाऊं कैसे सो दिस इज अ डायलेमा ऐसी दुविधा में स्टेट बैंक वाला क्या करता वो सब इन ग्राहकों को बोल देता आपने जो डिपोजिट दिया है वो वेलकम बट सेवन नहीं मैं तो सिर्फ आपको थ्री इंटरेस्ट ही पे करूंगा या सपोज एकदम गिर जाए टू परसेंट या सपोज एक परसेंट ही दूंगा अगर ऐसा हुआ इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड तो मिडिल क्लास को सीनियर सिटीजन को बहुत तकलीफ होगी सीनियर सिटीजन को तकलीफ इसलिए क्योंकि उनके पास तो ये सब फिक्स डिपोजिट में पैसा डाला उसमें से कुछ ब्याज मिले ऐसी उनकी गिनती हो क्योंकि वो तो अब रिटायर हो चुके हैं उनको दूसरी कोई इनकम ज्यादा होती नहीं इसका पेंशन वगैरह कुछ आता नडनली उसे नहीं आपको तो दो तीन टका ही देंगे तो प्रॉब्लम होती सो so, जर एक डेंजर हो गया दूसरा डेंजर सपोज यहां पर यह सब लोगों को बोल दे डिपोजिट पर टू परसेंट दूंगा और फिर भी उसका प्रॉब्लम यह है इतना ज्यादा मेरे पास लोन में घुमाने को पैसा है जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करना पड़ेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला ये भी कर सकता है कि लोन के दर जो पहले वो ट्वेल्व परसेंट मांगता था अचानक से वो कर देगी थ्री परसेंट थ्री परसेंट भी आज पर मैं लोन देने को तैयार हूँ अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारी पब्लिक रैकलेसली बोरो करना शुरू कर देगी दे धना दन सस्ते लोन मिल रहे हैं तो लूट लो और फिर ऐसा पैसा वो लोग गोल्ड में रियल एस्टेट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे कि उसमें से हमको थोड़ा भी इंटरेस्ट मिल गया सपोज फोर परसेंट तो इसको तो थ्री परसेंट ही देना है तो हम तो माला माल हो जाएंगे लाइक दैट लॉट ऑफ रैकलेस एक्टिविटी बिना सोचे समझे सब तमाशा शुरू हो जाएगा और ऐसी परिस्थिति में अगर पब्लिक बहुत ज्यादा ऐसा लोन लेकर खर्चा कर रही है तो बाजार में ऐसा भी हो सकता है कि ऑनियन जो पहले बीस तीस रुपए में मिल रहा है वो सीधा वन फिफ्टी रुपीज किलो हो जाए तो उस जमाने के आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा ये जो अचानक से लोनेबल सेवन एटी रुपी हो गए उसको मैंने कम करना होगा अदरवाइज दिस प्रॉब्लम विल कम एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड रियल एस्टेट और वो सब भी कोलेप्स हो जाए बहुत ज्यादा बड़ा होके और ये डिपोजिटर्स का भी हितों की रक्षा करनी है सो वट ही डिड इज उसने सब बैंकों को पूछा 2016 में नोट में नोटबंदी के दौरान कि नोटबंदी तो हमने नवंबर से करी लेकिन आप डेटा निकालो कि नोटबंदी के तीन महीने पहले से मतलब सितंबर अक्टूबर और ये नवंबर ये तीन महीने में कुल मिलाकर आपके पास कितना डिपॉजिट में पैसा आया था सपोज ये बैंक वाला बोले सर एक करोड़ आए थे या कुछ भी तो वो जितनी भी रकम आई थी उतनी रकम आपने हंड्रेड अमाउंट यू कीप साइड एज इंक्रीमेंटल सी आर आर मतलब वो पैसा किसी को लोन में देना नहीं तो हो सकता है कि अचानक से नवंबर में इसके पास एक हज़ार आए बट उसके पहले ये, ये और ये भी ना उस हिसाब से जो रकम मिलती है बिफोर द डी मोनेटाइजेशन सपोज उसके पास आए थे सात सौ करोड़ कुल मिलाकर तीन महीने में तो उतना तो उसने सी आर आर में अब रख देना है तो बाकी तो घुमाने के लिए तीन सौ करोड़ ही बचे तो पहले जितना साइज था उससे लोनेबल साइज कम हो गया एंड एडिशनली जो फोर परसेंट उस जमाने में रेगुलर सी था वो तो रखना ही था सो रिजल्ट विल हैपन थोड़े कम हो जाएंगे तो ये एक प्रकार का टेम्पर सोल्यूशन था वो करीब तीन चार हफ्तों तक उसने आजमाया जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल सी अभी तो ऐसी कोई सिस्टम है नहीं सो दैट मैटर दिन इंक्रीमेंटल सी आर आर क्या है इट इज अ फेडेड टॉपिक फ्रॉम 2016-17। बहुत खींच के कितना याद रखना है टू प्रीवेंट द क्रैशिंग ऑफ डिपोजिट एंड लैंडिंग इंटरेस्ट रेट्स डीमोनेटाइजेशन के दौरान सिलेक्टिवली एक्स्ट्रा उन्होंने बोला कि और पैसा सी में रखना है क्यों क्या कैसे कौन सी तारीख से कितना था हंड्रेड परसेंट था हंड्रेड फिफ्टी परसेंट था कुछ काम का नहीं भाई ये बहुत पुरानी न्यूज हो चुकी है अब वन वर्ड एसोसिएशन इज सफिशेंट आगे भी मैंने बताया कि ऐसा कॉन्स्टेंटली पैनिक में रह के ये क्यों है ऐसा क्यों है अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं होगा तो नहीं पढ़ाऊंगा डोंट लू स्लिप ओवर इट सो दैट वॉज द इंक्रीमेंटल सी आर आर एस एल आर हमने कल रात पढ़ लिया कि बैंकों में जो डिपोजिट आता है उसका कुछ हिस्सा कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अदर सिक्योरिटीज अप्रूव बाई आर बी आई उसमें आपने रखना है अब ये भी पहले तो ज़्यादा ही था जैसे जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन में था एस एल आर नाइनटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव लेकिन फिर आर बी आई उसको धीरे धीरे पच्चीस पच्चीस बेसिस पॉइंट कम करती रही तो मतलब पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट कम करती रही तो देखो नाइनटीन फिर एटीन पॉइंट सेवेंटी फाइव ऐसा करते करते प्रेजेंटली व्हाट इज द एसएलआर अप्रैल महीने से है 18 परसेंट एस और आरबीआई ने बोला था ऐसा कट करके मैं 18 परसेंट तक लेके आऊँगा वो आरबीआई ने 2018 में ही बोल दिया था मतलब कोरोना आने से बहुत पहले यानी कि ये अप्रैल में रिड्यूस किया गया 2020 में एस तो ये कोरोना के चलते क्या नहीं टू से आर ने सोच के रखा धीरे धीरे इसको कम करेंगे ताकि उसके दूसरे ऑब्जेक्टिव थे कि लोनेबल फंड्स बढ़े वगैरह वो जो दूसरे ऑब्जेक्टिव हैं उनका नाम है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट एच क्यू एल ए बट वो सब चीजें क्या है वो पूरी खिचड़ी और पकाने की जरूरत नहीं वो हम पिलर वन बी टू में जब बैड लोन एंड अदर बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे देन वी विल सी दैट तो अभी इन सब को छोड़ो अभी बहुत खींच के कितना याद रखना it is 18%, that is sufficient. So फिर ये इंक्रीमेंटल सी भी हमने समझ लिया जो नोटबंदी में किया क्या और सीआरआर आर गाड़ी पे लोन दिया घर पे लोन दिया एमएसएमई -E को लोन दिया तो पाँच साल के लिए उतना पैसा माइनस करवाने की जो पूरी बात हुई सो नाउ वी आर डन विद डेट क्वांटिटेटिव टूल्स अभी आगे बढ़ते हैं और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एल ये क्या असल में आरबीआई का जो ई कूबेयर प्लेटफॉर्म है उसमें उन्होंने अलग अलग विंडो बना के रखी है सॉफ्टवेयर में तो उसकी एक विंडो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एल और उसके अंदर एक दूसरी सब कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट ये रेपो रेट समझने से पहले वापस हम एक बेसिक कंसेप्ट समझे गवर्नमेंट मैंने आपको बताया गवर्नमेंट को टैक्स में जितना पैसा आता है बट सामने वो वेलफेयर स्कीम के नाम पे बहुत ज्यादा खर्च करते है आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया सो दे हैव टू बोरो मनी अब पैसा बोरो करने के लिए वो बाजार में इशू करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब समझो एक कागज का टुकड़ा जिस पे कुछ लिखा हो सपोज कि ये सौ करोड़ की सिक्योरिटी है जो इसको खरीदेगा हम उसको वो हमें सौ करोड़ देगा और सामने हम उसको एट परसेंट इंटरेस्ट के साथ एक साल बाद दस साल बाद वापस करेंगे और ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर को दी जाती है आर अपने ई अपने प्लेटफॉर्म से उसको सेल करता है और सामने खरीदने के लिए कुछ प्राइमरी डीलर्स होंगे बैंक्स होंगे एल और दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होंगी वो कुल मिलाकर सपोज 10 करोड़ 20 करोड़ करके उन्होंने 100 करोड़ में से 30 करोड़ का माल खरीद लिया तो जो बाकी का माल बचा 70 करोड़ वो कौन है आर अपने पास खरीद लेगा और सरकार को पैसा देगा अगर आर के पास पैसा नहीं है तो वो नया कैश प्रिंट करके भी गवर्नमेंट को देंगे और वो पूरा स्केल बैलेंस करेंगे वगैरह कल हमने देखा था अ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट में सौ करोड़ आए उसमें से आप जानते हैं तीन करोड़ एक बाजू रख देने हैं सीआरआर के फिर एटीन करोड़ उन्होंने रखने हैं एस में और मान लीजिए ऐसा बैंक है कि जिसने पूरे एटीन करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया तो बैंक के पास बचा अब सेवनटी नाइन करोड़ अब बैंक ये करेगा कि सपोज सेवेंटी नाइन करोड़ बचे हैं लेकिन कोई ग्राहक लोन बोरो करने के लिए नहीं आ रहा है तो पड़े पड़े पैसा तो उनको डिपोजिटर्स को इंटरेस्ट देना है तो वो कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो मान लीजिए वो एक्स्ट्रा नाइन करोड़ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं मतलब Norms के हिसाब से तो 18 करोड़ का गया तो काम बन गया बट और एक्स्ट्रा प्लस नाइन करोड़ भी डाल देते no तो हैं तो ये जो एक्स्ट्रा उन्होंने नौ करोड़ भी इन्वेस्ट कर दिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उसको हम लोग मान लीजिए बोले नॉन एस एल आर कोटा सिक्योरिटीज ये कोई ऐसी की नहीं है ये सिर्फ फर्क दिखाने के लिए कि एस में इन्वेस्ट किया है उसके भी आगे प्लस प्लस चल के इन्होंने टू सो दैट मोर सिक्योरिटीज ओन बाय अ बैंक बियॉन्ड देयर आर रिक्वायरमेंट्स और ऐसा करके सेवेंटी करोड़ उनके पास अब बचते हैं और मान लीजिए वो पूरे लोन में घुमा दी नाउ वॉट विल बी दिन ये बैंकों की एक तरफ डिपोजिट सौ करोड़ और एसेट के अंदर ये सी आर आर एस एल आर एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो अभी हमने देखी और फिर लोन में पैसा घुमाए मान लीजिए ऐसा करके ये बैंक वाले ने सौ करोड़ के जी सेक खरीद के रखे थे एक्स्ट्रा जी सेक में क्योंकि उसको तो पता है एक साल बाद मुझे सरकार एक सौ आठ करोड़ देगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐसा सपोज अप्रैल 2020 में हुआ उसके बाद आता है मे महीना मे महीना में, में, में मान लीजिए मुकेश अंबानी आता है और वो बोलता है मुझे और सौ करोड़ का लोन चाहिए और मैं आपको ट्वेल्व इंटरेस्ट देता हूँ या फिर कि बैक एंड में ये जो डिपोजिटर है उसमें से पाँच दस लोग आ जाए कि हमको इतना इतना पैसा चाहिए तो अचानक से आप जानते हैं हम सिर्फ फोटो खींच रहे हैं डिपोजिट में भी हर महीने लोगों की सैलरी होगी तो वो लोग थोड़ा थोड़ा तो डालेंगे तो ये डिपोजिट में और पचास करोड़ साठ करोड़ एड होते रहेंगे राइट लेकिन अचानक से ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई कि कोई बड़ा ग्राहक आ गया कि मुझे दे दो पैसा मुझे लोन चाहिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ती है कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पैसा बोरो करना पड़ेगा कहीं बाहर से सो एट दैट टाइम व्हाट विल अपन ये मई महीने में वो जाकर आर के पास लोन ले सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहेगा आई कैन गिव यू लोन्स फॉर अ शॉर्ट टर्म एट फोर परसेंट इंटरेस्ट बट कुछ आपने जमीन में रखना होगा ये जो आपके पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो मेरे पास कोलेटरल यानी जमानत के रूप में गिरवे रखना होगा आपने और फिर मैं आपको ये लोन दे सकता यानी कि आप मुझे वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये वाली मान लीजिए सौ करोड़ की आप मुझे सौ करोड़ की ये बेचो मैं इसको खरीदता हूँ सौ करोड़ में और फिर एक दिन बाद चौदह दिन बाद आप वापस मुझसे वही चीज एक सौ चार करोड़ में खरीद लेना इन अदर वर्ड्स वर्स हैज हैजन आपने अपनी ही चीज वापस महंगे दाम में खरीद ली या आप ये कह सकते हैं कि आपने आरबीआई को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस कर दिया तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि फर्स्ट में 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर को सौ करोड़ में सेल करी तो यहाँ पर नोट्स उसको मिल जाएंगे सौ करोड़ के और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक री एग्रीमेंट साइन किया कि मैं यही वाली सिक्योरिटी आपसे आगे चल के ऊंची दाम में खरीद लूंगा और फिर फोर्टीन में यानी चौदह दिन बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही वाली चीज जो उसने गिरवे वहां पर रखी थी उसको वापस खरीदेगा एट वन जीरो रिजर्व बैंक को 104 करोड़ मिल गए तो यानी रिजर्व बैंक का प्रॉफिट कितना हो गया या फिर कि रिजर्व बैंक ने ब्याज कितना कमाया सौ करोड़ लोन दिया था एक सौ चार करोड़ उसको वापस मिले तो आप निकालो वन जीरो फोर माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड टाइम्स हंड्रेड तो जो मिलता है दैट इज द यानी रेपो रेट इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय आरबीआई ऑन अ शॉर्ट टर्म लोन वाइल्ड टेकिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल ये कोलेटरल क्यों रखवाया होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर गवर्नमेंट एट परसेंट या जो भी ब्याज पे करेगी आफ्टर वन ईयर टेन ईयर वॉट एवर इज द टेन ईयर तो मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बदमाशी करता और चौदह दिन बाद अपनी ये चीज़ खरीदने को नहीं आता तो शक्तिकांता दास के पास ऑप्शन क्या था वो कोई थर्ड पार्टी को ये वाली चीज बेच सकते थे थर्ड पार्टी क्यों खरीदेगी क्योंकि उनको भी मजा आया कि एट परसेंट ब्याज के साथ हमको मिलेगा ना या फिर आरबीआई गवर्नर अपने पास ही रखते इसको और गवर्नमेंट उसको एट परसेंट इंटरेस्ट ऑफर करती है एक साल बाद तो चीज भी मेरी पर भी मेरी आर का तो विन विन ही था एज लॉन्ग एज दे कैप्ट कोलेट्रल इसलिए यहाँ पर ये गिरवे रखने की प्रक्रिया है सो वॉट एग्जैक्टली रिपो वो तो हमने समझ लिया कि गिरवे रखते हैं और शॉर्ट टर्म में लोन लेते हैं तो एक बाजू होता है आरबीआई का रेपो आरबीआई का रेपो मतलब आरबीआई और उसके क्लाइंट के बीच जो डील्स हो रहे हैं कोलेट्रल में क्या होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की क्या होता है वैलिडिटी वन ईयर या हायर ट्रेजरी बिल वो क्या होते हैं लेस देन वन ईयर की वैलिडिटी की गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग करी है उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका आपस में सब क्लैरिफिकेशन वन सी में देखेंगे बट ये वाली पीस को गिरवे रखते हैं ऑन दी अपोजिट साइड देयर कुड बी मार्केट रिपो बाज़ार में भी रेपो जैसी सिस्टम चलती है। लेकिन वहां पर आर के सिवाय वाले प्लेयर होते हैं जैसे बैंक आपस में एक दूसरे को बाइंग सेलिंग और ये लोन की एक्टिविटी जो करें एन बी एफ सी एल आई सी ई पी एफ ओ नाबार्ड ये सब क्या है हम लोग क्लासिफिकेशन वन बी वन में पढ़ेंगे बट ये सब खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को शॉर्ट टर्म में लोन देते रहते हैं और वहाँ पर भी कोलेट्रल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड भी Ongc के या रिलायंस के वो तो सब कुछ गिरवे रख के आपस में शॉर्ट टर्म में बॉलोइंग करते हैं तो यानी रेपो के दो प्रकार हुए एक तो आरबीआई का रेपो जहां आरबीआई खिलाड़ी और दूसरे होते हैं मार्केट रेपो जहां आरबीआई खिलाड़ी ने दूसरे लोग आपस में ऐसा ही काम कि सौ करोड़ का बेचा वापस एक करोड़ में खरीदेंगे या एक करोड़ में व्हाट इज देयर थिंग तो रेपो या रीपर्चेज एग्रीमेंट मैं बेच रहा हूँ वापस खरीदने की कसम खा रहा हूं

शालीन भाषा में पूछेगा तो वो ऐसा शालीन भाषा में वो ऐसा भी लिख के दे ऐसा भी लिख के दे ऐसा भी लिख के दे स्ट्रेस में नहीं आना शांति से पढ़ो दिमाग में विजुलाइज करो कि क्या करते होंगे हाँ खरीदते होंगे बेचते होंगे अग्रीमेंट होता होगा सो दैट इज़ द आइडिया ऐसी जो फॉर्मल डेफिनेशन है फॉर एग्जाम्पल ये भारतीय भी पाठक की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऐसी बहुत सारी बुक्स होती है आपने कोई खरीद के पढ़ने की जरूरत नहीं पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ थिंग्स कुड ऑल्सो बी देर बट आप उसको विजुलाइज करके टिक कर सकते हैं सो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ़ रेपो रेट 2018 में तो ये करीब 6.5 परसेंट था और अब तो गिरते गिरते फेब्रुआरी 2020 में था 515 और कोरोना क्राइसिस के दौरान दो तीन बार आर बैठ जाता है और इसको गिरा कर सीधा फोर कर दिया अब जानते हैं महंगाई से लड़ना है तो हमने रेपो रेट इंक्रीज करना चाहिए डिफ्लेशन से लड़ना है तो गिराना चाहिए हमारी एक प्रायोरिटी जब हो जाए कि टू टू सिक्स परसेंट में हमने महंगाई दर को काबू में कर लिया तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या है कि जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट करना चाहिए और वो बूस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे लोन सस्ते दे दो ताकि लोग कार खरीदे तो फैक्ट्री में मजदूरों को काम मिले ताकि वो विमल गुट का खरीदे और अपना जीडीपी बढ़े सो विध सिमिलर ऑब्जेक्टिव द रेपो रेट वॉज रिड्यूस्ड वो वाली चीज हम लोग आराम से पढ़ेंगे ये पूरी जो अलग अलग टूल्स हम खत्म करेंगे फिर हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और उसके बाद उनकी दो दो महीने की मीटिंग में ये जो गिरते हैं या बढ़ते हैं रेपो रेट वो हम लोग समझेंगे सिमिलरली देर इज अ टर्म कॉल अकोमोडेटिव पॉलिसी न्यूट्रल पॉलिसी या कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टांस ये सब चीजें क्या है वो भी देखेंगे बट वो जब ट्रेंड में अंत में हम लोग पढ़ रहे तब तो अभी उन सब में हम लोग नहीं जा रहे प्रेजेंटली अवर फोकस इज ओनली द थियरी पोर्शन ये सब नहीं सो दैट इज वन पार्ट अभी उसके बाद टी एल टी आर और एन एल टी आर बहुत सारी चीज है बट वो फ्रेश माइंड से हम लोग समझ सके इसके लिए लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड ब्रेक पीरियड इज ओवर लेटस मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन दीर्घ अवधि के रेपो ऋण अब तक तो हमने पढ़ा वो था ट्रेडिशनल या रेगुलर या शॉर्ट टर्म रेपो रेट जहां पर ओवरनाइट मतलब आज लिया एक रात भी थी कल वापस करना है यानी वन डे के लिए से लेकर फोर्टीन डेज के लिए मतलब टर्म के लिए आपको पैसा लोन में मिलता था सामने आरबीआई ने बोला कि पैरेल एक नई चीज लॉन्च करते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जहां पर ये बैंक वाले चाहे तो एक साल तीन साल के लिए हमसे लोन में पैसा ले सकते हैं व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट तो रेपो रेट में प्रेजेंटली फोर परसेंट है तो इधर भी उतना ही होगा लेकिन आप समझिए ये तो एक दिन या चौदह दिन तो एक ही बार में फोर वो चार्ज करेंगे वेर एज ये जो लॉन्ग टर्म में आप लेकर आएंगे आप बोलेंगे एक साल या तीन साल तो वहां पर वो लोग लो एनुअली उसको कंपाउंड करेंगे एनुअल कंपाउंडिंग मतलब क्या चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल दूसरा साल तीसरा साल तो यहाँ पर उसका इधर गिनेंगे इधर गिरेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग कैसे होता है वो एप्टीट्यूड का प्रश्न है वो नेट पे या एप्टीट्यूड की क्लास में देख लेना पैसा किधर से बोरो करना है आरबीआई के ई e कुबेर प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ये शॉपिंग हो सकती है रेपो रेट के भी और ये नई चीज़ जो है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन उसकी भी ये जो ट्रेडिशनल रेपो रेट है वो तो बहुत समय से चल रहा है इट हैज बीन डूइंग सिंग मेनी ईयर्स ये जो नई चीज़ है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन वो 2020 फरवरी में नया चालू किया ये नया इसलिए चालू किया ताकि ये सब बैंकों के अंदर मैंने आपको बताया कि इवन बिफोर द कोरोना क्राइसिस लास्ट ईयर से कार के सेल कम थे घरों के सेल कम थे तो आर ने सोचा कि मैं कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपए एल के नाम पर लोन में इनको दे देता हूँ ताकि ये इनके पास रहेंगे एक साल तीन साल के लिए तो फिर वो किसी को बड़ा लोन दे सके और उसे लोन सस्ते होंगे और ग्रोथ रेट में मजा आए ना अभी में स्टार्ट टू वंडर तो सर ये एक लाख करोड़ ऐसे क्योंकि सीधा जीरो ही कर देना था ना सी तो अपने आप बहुत अच्छा हो जाता भाई सी का अपना एक और भी फीचर है क्या सेफ्टी के लिए रखना है तो फिर उसको जीरो नहीं कर सकते देरफोर दे आर डूइंग पैरल मैनी थिंग्स और यहां पर ये चीज खत्म होती है रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो बात सही है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों उसको कुछ और क्यों नहीं बोले लेअर ओ ऑपरेशन और लेपो ऑपरेशन भाई आपको अगर ऐसा लगता है एलटीआर टी ओ शब्द ठीक नहीं है तो जाके आर को फरियाद करो ये वाला उनका हेल्प डेस्क का चीज है समटाइम्स पीपल अपनी जब तैयारी हो रही तो ऐसे होनी चाहिए घोड़े की तरह कुछ लोग ये नहीं देखते इधर ये क्या है ये क्या है इसको क्यों शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के लिए रेपो होता है तो लॉन्ग टर्म में क्यों दे रहे हैं तो बताया तो सही कि उसका लॉन्ग टर्म में इसलिए ताकि एक साल तीन साल के लिए बैंक के पास पैसा होगा तो वो आराम से घुमा पाए चौदह दिन में वापस करना है तो अपने कोई पसीना इतना छूट जाएगा कि वो उसको क्या यूज करें हम लोग सो दैट इज डन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ये सब चीजें देखिए मैंने अपने स्लाइड में रेपो इधर रखा है और इसको चित्र के बाहर इधर रखा है क्यों क्योंकि ये सब लो प्रोफाइल टॉपिक है इसमें वन वर्ड एसोसिएशन की यहाँ लॉन्ग टर्म के रेपो ऑपरेशन बात खत्म वन वर्ड एसोसिएशन जैसा इसमें और बहुत ज्यादा चिंता में आने की जरूरत नहीं कि इसमें ये होगा तो क्या होगा वो क्या ऐसा ही एक दूसरी चीज है टी एल टी आर ओ ये समझते लेकिन उससे पहले जो पिलर वन सी में हम लोग समझने वाले थे वो कुछ चीज यहाँ पर देखनी जरूरी है सिक्योरिटीज मतलब वो कागज़ का एक टुकड़ा या सर्टिफिकेट आपके पास होगा देन होल्डर इज एलिजिबल टू रिसीव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर टाइम अब ऐसे जो कागज़ के टुकड़े होते हैं दो टाइप के होते हैं एक होता है एक्विटीज जैसे कि एक शेयर सर्टिफिकेट शेर और दूसरा होता है डेट ऋण के ऐसी लेखा पत्र जैसे बॉन्ड या डिबेंचर आपस में अंतर क्या है इनमें ये जो एक्विटी या शेयर है आपके पास होगा तो कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो उसमें से आपको डिविडेंड के रूप में कुछ हिस्सा देगी अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा तो ऐसे आपके पास शेयर हैं तो आप कंपनी के ओनर प्रोप्राइटर बन गए अब अगर ये कंपनी काम नहीं करती और उसको बंद करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन नीलामी की जाएगी कंपनी की तब एकदम लास्ट में आपको कुछ पैसा बचता है तो कुछ हिस्सा मिलेगा वो सब हम लोग देखेंगे पिलर वन से भी ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी बॉन्ड या डेट सिक्योरिटीज या डिबेंचर यहाँ पर इर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कंपनी को मुनाफा हुआ कि नहीं वो बॉन्ड में जितना लिख के दिया हो सपोज तो आपको नीलामी तो, आप तो सबसे पहले इन लोगों के क्लेम खत्म किए जाएंगे तो ये सब पिलर वन सी शेयर मार्केट में देखना है अब हमने आगे तो पढ़ लिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से गवर्नमेंट पैसा बोरो करते हैं तो अलग अलग दूसरी कंपनियों को जब पैसा बोरो करना है तो वो इशू करेंगे डेट सिक्योरिटी या हम इसको बोल सकते हैं बॉन्ड मार्केट फॉर द पीपल अदर देन गवर्नमेंट तो उसके अंदर एक तो ये लोग लॉन्च करेंगे लॉन्ग टर्म वाले सिक्योरिटीज मतलब एक साल या ज्यादा टेन ईयर के जैसे आप बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या जिसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी एन बट सपोज उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा थे लेस देन वन ईयर के लिए तो वो भी वो इश्यू करेंगे ऐसी सिक्योरिटी को बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स आगे हम लोग पिलर वन बी वन में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बैंक एंड एनबीएफसी एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब वो बैंक जैसा काम नहीं करते कि आपसे डिपॉजिट में लिया आपको चेक बुक दिया फिर कहीं लोन में घुमाएंगे देयर सिस्टम इज स्लाइटली डिफरेंट देन देर विल बी सम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि डी एच एफ एल ये आई पी एल वगैरह की मैच में टी शर्ट में लॉगो देखा होगा उनका काम क्या है कहीं से पैसा लेके आएंगे और होम लोन के लिए घुमाएंगे बट वो ट्रेडिशनल बैंक जैसे नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह देंगे तो ऐसे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे आई एल एफ एस या होम लोन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे डी एच एफ एल ये लोग ज्यादातर अपना पैसा मोबिलाइज कैसे करते हैं बाई इशूइंग डेट सिक्योरिटीज डेट सिक्योरिटीज मतलब ये वाली चीज़ है कॉर्पोरेट बॉन्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कमर्शियल पेपर डिपेंड करता है उसको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म में उसे जो पैसा हाथ में आया वो कहीं ना कहीं लोन में घुमाएंगे होम लोन के लिए दिया हाईवे बनाने के लिए एयरपोर्ट बनाने के लिए लोन में दिया सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल इनके लिए क्या है पैसा पैसा वो ऐसा नहीं कि पब्लिक से डिपोजिट में लेते हैं वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से इश्यू करके मार्केट से पैसा उठाते हैं लेकिन कोरोना क्राइसिस में आप जानते हैं कि इन्वेस्टर सब काम दाम अब वो लोग ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो सोचते हैं गोल्ड में डालते हैं या ऐसे कुछ नहीं करना वेट एंड वॉच सो एज रिजल्ट दिस कंपनीज आर अनेबल टू डू देयर वर्क तो क्या है मार्च 2020 में आरबीआई लेकर आता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन यानी टी इसमें सब बैंकों को बोला गया कि आपके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो मुझे गिरवे रखो कोलेट्रल के रूप में आप देंगे और सामने मैं आपको रेपो लोन दूंगा अपटू थ्री इस टेन योर मतलब सिस्टम तो वही है सौ करोड़ का दिया एक सौ चार में वापस खरीदना है एस बी आई को लेकिन ये जो विंडो है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यहाँ पर टारगेट है टारगेट ये है कि सपोज आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौ करोड़ लिए हैं तो विद इन वाई डेज सपोज कि इतने दिनों के अंदर आपने उन सौ करोड़ों का मिनिमम एक्स परसेंटेज सपोज फिफ्टी परसेंट जेड के अंदर इन्वेस्ट करना होगा और ये जेड में क्या आएगा जेड का मतलब हो सकता है ये सब डेट सिक्योरिटी कमर्शियल पेपर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कॉर्पोरेट बॉन्ड ये सब चीजें ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फाइनेंशियलोरेट म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह ये सब लोग क्या काम करते हैं वो हम लोग पिलर वन बी वन में देखेंगे अब यहाँ पर ये वाई डेज कितने हैं या एक्स परसेंटेज कितना है या जेड चीज में क्या आएगा कमर्शियल पेपर आएगा या नहीं या ये आएगा कि नहीं वो सब की हमको बारीकी करने की जरूरत नहीं बिकॉज मार्च में आरबीआई ने पहला राउंड किया तो बोला कि एक लाख करोड़ तो टी एल आर टी ओ वन पॉइंट जीरो फिर अप्रैल में दूसरे पचास हजार करोड़ लोन में घुमा दिए बोला गया टी एल टी आर ओ टू पॉइंट जीरो तो हरेक में थोड़े थोड़े टेक्निकल नॉर्म अलग होते हैं एक बार बोला था कि बीस दिन में ये इन्वेस्ट कर देना दूसरी बार बोला नहीं एक महीने तीस दिन में करना वगैरह वो सब पूरी डिटेल बारी की काम की नहीं बेसिक टारगेटेड लॉन्ग टर्म बेसफिशेंट ऑपरेशन में आइडिया क्या है आरबीआई बैंकों को कुछ लोन देता है शर्त है कि बैंकों ने यो वाला पैसा उसका सिलेक्टेड परसेंट ये सब कमर्शियल पेपर बॉन्ड वगैरह के अंदर डालना है ताकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कंपनी हाउसिंग फाइनेंस और ऐसे दूसरे एंटिटीज को थोड़ी मदद मिले सो आउटरेज इज आरबीआई सीधा जाके एनबीएफसी को पैसा क्यों नहीं दे देता ये ऐसा क्यों कर रहा है कि स्टेज वन में बैंक को दे रहा है और फिर स्टेज टू में बैंक वाले जाकर उधर इन्वेस्ट करेंगे आरबीआई ऐसा क्यों नहीं डालता मुंह में ऐसा उल्टा करके क्यों डलवा रहा है क्योंकि सीधा मुंह में डालना है तो गिरवे रखना पड़ेगा क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो सपोज आई एल एफ एल इनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रहे तो आरबीआई को गिरवे नहीं दे सकते तो आरबीआई से सीधा पैसा उठा नहीं सकते देयर फोर दिस इज वन रीजन दूसरा कि पब्लिक जाकर इधर इन्वेस्ट क्यों नहीं करती वाई डोंट पीपल गो एंड इन्वेस्ट इन एनबीएफसी बॉन्ड्स मित्रों ये कोरोना क्राइसिस के चलते शेयर बाजार कुछ समय के लिए गिर गया था शेयर प्राइस सौ रुपए का शेयर था दस रुपए में बिक रहे थे तो बहुत सारे इन्वेस्टर को लगा कि हम लोग शेयर खरीदते हैं अभी बॉन्ड नहीं खरीदना शेयर सस्ते में खरीदते हैं और कोरोना के बाद जब कंपनियों की रिकवरी आ जाए शेयर प्राइस अच्छा हो जाए तो वापस उसको हम सेल करेंगे ये शेयर प्राइस कैसे अप डाउन होते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे बट इन पिलर वन से सो इज द पॉइंट इज कि वो सब ऑर्डिनरी पीपल दे आर नॉट सो ग्रेटली इन्वेस्टेड हियर इसलिए आरबीआई ने ऐसे इनडायरेक्टली उनके मुंह में निवाला डालना पड़ा और दूसरा ये जो डी वगैरह हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ हैं जो होम लोन देते हैं लेकिन आप जानते हैं कि पिछले साल ही पब्लिक ने लोन मतलब घर खरीदना कम कर दिया था क्योंकि घर के प्राइस बहुत बढ़ गए थे और पब्लिक उसको ठीक नहीं समझ रही थी सो हाउसिंग सेक्टर इज डाउन तो वैसे भी ये जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बॉन्ड है वो बहुत रिस्की माने जाते हैं तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते इसलिए बैंकों को बोला गया कि आप इन्वेस्ट करिए और ये शर्त रहेगी वगैरह ये सब चीजें क्या है दोस्तों इन सबको लो प्रोफाइल टॉपिक बोलते हैं इधर से एमसी क्यू भी निकलते हैं तो वो वन वर्ड एसोसिएशन वाले होते हैं वन वर्ड एसोसिएशन मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव तो इस ऑब्जेक्टिव कोरोना के हॉस्पिटल को फाइनेंस करना है रोड बनाना है एनबीएफसी कंपनी को मदद करनी वगैरह सो लाइक दैट दे विल फॉर्म थ्री फोर थिंग्स तो रेपो तो हमने समझ लिया आरबीआई गिव शॉर्ट टर्म लोन टू इट्स क्लाइंट एंड डिमांड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेट्रल ट्रेडिशनल रेपो हमने समझ लिया शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है शॉर्ट टर्म के लिए लोन में पैसा दिया क्या उसमें कोई कंडीशन होती है कि जो लोन में पैसा दिया उसका मिनिमम आपने एक्स परसेंटेज प्राइवेट कंपनियों के कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में डालना है ट्रेडिशनल रेपो जो एक से चौदह दिन का होता है उसमें तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी फिर नया तमाशा लेकर आए लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन उसमें आइडिया क्या था अप टू थ्री इयर्स के लिए लोन देंगे ऑब्जेक्टिव क्या है लोन ही देना बट फॉर अ मोर ड्यूरेबल पीरियड तीन साल तक बाजार में थोड़ी लिक्विडिटी मनी सप्लाई बना रहे क्या एल में कोई कंडीशन करी गई कि मिनिमम जो पैसा दिया उसका एक्स परसेंटेज किसी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना है कोई कंडीशन नहीं उसके बाद तीसरा सपना आर बी को आया कि टारगेटेड एल टी वहां पर शर्त क्या है तीन साल तक लोन में देंगे और बट ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प दिस एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस एंड अदर कंपनीज और बैंकों पर कंडीशन क्या है कि यस यू मिनिमम एक्स परसेंटेज ऐसी हाउसिंग फाइनेंस एन वगैरह के बॉन्ड के अंदर आपने इतना परसेंट इन्वेस्ट करना होगा सो दैट इज द वन वर्ड एसोसिएशन बात खत्म इसके बाद आगे चल के और पांच सौ जात की चीजें इसमें टैक्स पाला किधर गया इससे एफडीआई को क्या असर होता है इससे डॉलर और रूपी के इंटरेस्ट रेट को क्या असर होता है कुछ ना कुछ होता होगा बट आप पानी में पत्थर डालोगे तो हर जगह उसकी लहरें थोड़ी थोड़ी तो जाएंगी रिपल्स बट वो सब रिपल्स हमारे काम के नहीं फिर हम लोग ये पिलर वन बी वन में एक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में एक चीज होती है म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड का काम ये है आपसे पैसा लेगा और वो शेयर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो आप सब लोग हैं इन्वेस्टर आपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दिया वो जाकर फंड मैनेजर बाजार में से शेयर बॉन्ड खरीदेगा बॉन्ड खरीदा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा शेयर खरीदा तो डिविडेंड मिलेगा और वो सब उसका एक पोर्टफोलियो मतलब खोखा होगा जिसमें वो सब पैसा आता जाएगा जाता जाएगा उसमें वो अपना कमीशन काट के आपको रिटर्न के नाम पर कुछ पैसा देगा सो दैट इज द आइडिया ऑफ म्यूचुअल फंड अब 2020 में एक फ्रैंकलिन पेम्पल्टन म्यूचुअल फंड कंपनी थी उसने भारत के अंदर कुछ स्कीम चलाई थी कि ये वाला ऐसा अपना स्कीम है ये सपोज कि दो साल के लिए हम लोग चला रहे हैं तब तक आप पैसा इन्वेस्ट करके रखना फिर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा और आपका जितना जितना पैसा होगा वापस करूँ बट सडनली उसने अपनी ऐसी सब स्कीमों को बंद कर दिया वो बंद इसलिए किया क्योंकि उसको लगा ये कोरोना क्राइसिस के चलते सब कंपनियों के प्रॉफिट तो अच्छे वो नहीं रहे बहुत सारी कंपनी कोलेब्स हो रहे तो ये शेयर बॉन्ड का पूरा मार्केट लॉस में चला जाएगा और मैं क्लाइंट को अच्छा रिटर्न नहीं दे पाऊंगा इसलिए ये म्यूचुअल फंड ने तय समय से पहले अपनी स्कीमों को बंद करना है ऐसा घोषित किया तो इससे स्वाभाविक है पब्लिक पैनिक मोड में आ जाएगी क्योंकि ये म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या बोलता है मेरे खोखे में मैंने जो कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के शेयर बॉन्ड खरीदे थे आई विल सेल दो शेयर एंड बॉन्ड्स एंड वट एवर मनी आई गेट तो उसमें से मैं आपका पैसा वापस करूंगा पहले तो प्लान था दो साल तक इसको रखना है उसमें से प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब कमाना है बट अभी तो प्री मेचोरली किसी थर्ड पार्टी को बेच के मैं आपका पैसा देता हूँ अब ऐसा हुआ तो ये सब इन्वेस्टर पैनिक हो गए पैनिक इसलिए हो गए क्योंकि ये जो फंड मैनेजर था उसने कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं दी कि कब पैसा रिफंड करेगा दूसरा कि ये फंड मैनेजर ने अपने बॉक्स में जो भी शेयर बॉन्ड रखे थे अचानक से वो बेचने जाए बाजार में तो थर्ड पार्टी भी उसको कोई ज्यादा पैसा देगी नहीं क्योंकि मार्केट डाउन था सौ रुपए की चीज दस रुपये ऑफर करे ऐसा सीन था सो डिफिकल्ट टू फाइंड गुड बायर्स एट द राइट प्राइस तो हो सकता है इस यहाँ पर इन्वेस्टर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसको उतनी रकम वापस नहीं मिलेगी कुछ कम पैसा मिलेगी एंड देर इज सम फाइनेंशियल स्कैम एज वेल अब ये पूरा क्या उनका कांड है वो कांड हमारे लिए कुछ काम का नहीं है सफिशियंट टू नो कि कुछ कांड हो गया इनके साथ तो यहां पर आरबीआई ने सोचा कि सिस्टम को स्टेबिलाईज करने के लिए मैं आया अगेन बैंकों को बोला गया कि आप आइए और मैंने ई e कुबेर प्लेटफॉर्म में एक नया विंडो खोला है। विंडो खोला मतलब खिड़की बट यहाँ पर विंडो मतलब क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है कुबेर e तो, तो मतलब वहां पर अलग अलग जो सिस्टम के ये टैब खोलो ये टैब खोलो ऐसी चीज तो आरबीआई ने एक नया विंडो खोला स्पेशल या जिसको बोलते हैं फ्लेक्सीबल लिक्विडिटी विंडो टू हेल्प द म्यूचुअल फंड लेकिन म्यूचुअल फंड वाले सीधे वहां से पैसा ले नहीं सकते शर्त ये है बैंक वाले आएंगे और इधर से लोन में पैसा लेंगे और वो वाला पैसा बैंक वाले म्यूचुअल फंड मैनेजर को लोन के रूप में देंगे ताकि उसको ये जो अपने ग्राहकों का बकाया पैसा है वो चुकाने में उसको मदद मिले सेकंड ऑप्शन बैंक वाले आर से जो लोन ले रहे हैं उसकी मदद से ये जो म्यूचुअल फंड वाले के बॉक्स में जो भी शेयर बॉन्ड पड़े होंगे या कमर्शियल पेपर वगैरह पड़े होंगे उसके अंदर आरबीआई बोले उतने उतने परसेंटेज में वो खरीद सकते हैं उससे भी ये म्यूचुअल फंड मैनेजर को मजा क्या है पैसा मिल गया और वो रिफंड में अपने इन्वेस्टर को पैसा दे सकता है सो द मैटर इज ओवर देयर वन वर्ड एसोसिएशन क्या है आरबीआई का स्पेशल या आरबीआई का फ्लेक्सीबल विंडो विच वॉज ओपन इन ट्वेंटी ट्वेंटी द ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द म्यूचुअल फंड कंपनीज इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं आरबीआई बैंक को पैसा देगा और इधर से इनडायरेक्टली इस आदमी को पैसा जा रहा है यहाँ पर ये मुद्दा खत्म होता है अब व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट और ऑफ दिस लोन एक साल का है तीन साल का है इधर गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखनी है कि नहीं ये क्या रेपो जैसा मैकेनिज्म है कि आरबीआई बाय बैक करेगा नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि मित्रों ये बहुत ही टेक्निकल टेम्पररी सोल्यूशन है टू एड्रेस अ शॉर्ट टर्म क्राइसिस तो इसमें इतनी सब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है वन वर्ड एसोसिएशन हो गया बात खत्म तो यानी हम लोग अपना ये जो टेबल है वापस अपडेट करें ट्रेडिशनल रिपोर्ट तो सब समझ लिया लॉन्ग टर्म और टारगेटेड लॉन्ग टर्म वो भी समझ लिया और ये स्पेशल या फ्लेक्सिबल विंडो टू हेल्प द म्यूचुअल फंड कंपनी उसमें क्या है उसका टेन्य क्या है तीन साल पांच साल नॉट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक टू इंडायरेक्टली हेल्प द म्यूचुअल फंड कंपनीज कंडीशन कोई है कि आपको जो आरबीआई ने लोन दिया उसका सिलेक्टेड पर्सन सिलेक्टेड में जाना चाहिए यस yes. म्यूचुअल फंड कंपनीज लेकिन मैंने इसको बाहर क्यों रखे क्योंकि ये सब स्मॉल थिंग्स दे आर फॉर वन वर्ड एसोसिएशन ओनली अब इसके बाद एक छोटी चीज है वो पढ़ेंगे उसके बाद ब्रेक का सोचते हैं ट्राई पार्टी रेपोरेट जो असल में मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बट इसको हम लोग पढ़ेंगे हमने पावर पॉइंट में जो सीक्वेंस देखा सीक्वेंस कैसे है कि सी आर आर एस एल आर पढ़ा फिर हमने ये रेपो रेट देखा फिर हमने ये एल टी आर ओ टी एल टी आर ओ देखा फिर स्पेशल विंडो फॉर म्यूचुअल फंड फिर ट्राई पार्टी रेपो तो ये रेपो के साथ जुड़ी हुई कि एक तरफ लो दूसरी तरफ दो वो सब खेल देखे हमने जब आप इस चीज को हैंड आउट में देखेंगे द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक इन हैंड आउट इज स्लाइटली डिफरेंट ऐसा क्यों है क्योंकि मैं आपको पावर पॉइंट जो पढ़ाता हूं उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है सिंपलीफाई करना एक्सप्लेन करना ड्रा पैरेललिज्म कि रेपो में ऐसा था फिर तीन साल का कांड किया तो उसको एलटीआरओ बोल दिया वगैरह वगैरह वेयर इज द हैंडआउट हैंडआउट में अज्यूम किया जाता है कि आपने वो सब पढ़ लिया है वो सब समझ लिया है आपको सिर्फ वहां से रिवीजन करना है इसलिए वहां पर सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक इज सच दैट जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं पहले लिखता हूँ जो कम इंपॉर्टेंट लगता है वो हेडिंग थ्री में भी पीछे लिखा तो अगर आप हैंड आउट में यही चीज़ देखें तो उसमें सीक्वेंस ऐसा दिखेगा कि रैपो रेट दिया है बाजू में रिवर्स रैपो रेट दिया इधर टेबल वो क्यों दिया है शुरुआत में क्योंकि प्रीलिम में उसकी थियोरी और करंट अफेयर्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बात सो इट इज गिवन अहेड उसके बाद ये नीचे कुछ दिया कि हाँ रेपो रेट कम किया था फिर कुछ बातें करी हैं कि कोरोना के दौरान रिवाइव करने के लिए ये एल टी आर ओ टी एल टी आर ओ म्यूचुअल फंड का कांड हुआ उसके लिए ये ये चीजें की गई तो वो वन वर्ड टाइप ऑफ चीजें हैं तो वो बाद में कहीं पर दी गई होगी जब ये रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट सब खत्म होगा किधर बिकॉज दे आर लाइक वेरी लिटल यूटिलिटी इन द प्रीलिम एग्जाम सो दे आर गिवन एट अ लेटर स्टेज आफ्टर द मेन थिंग इज ओवर दैट इज रेपो एंड रिवर्स रिपोर्थिंग तो मतलब वो सीक्वेंस थोड़ा अलग होता है वो आप शाम सुबह आराम से बैठो थोड़ा पढ़ा है वो भी देखो नहीं पढ़ा है वो भी थोड़ा हे, हेडिंग तो पढ़ ही सकते हैं कि ये क्या चल रहा है क्या चल एंड यू विल गेट द आइडिया कि क्या चल रहा है कुछ यूपीएससी एस्पायरेंट ऐसे होते हैं नहीं हमको तो एकदम स्पून फीडिंग चाहिए हर एक चीज सिक्वेंशियल मैनर में होनी चाहिए हमको उंगली पकड़ के चढ़ाओ हमको हर चीज थाली में परोस के दो हम लोग के में पढ़ते हैं हम लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते दैट इज द एडिट्यूड एस्पायरेंट्स वो गूगल फॉर्म में प्रश्न आते हैं तो पता चल जाता है डेली के ऑफलाइन क्लासेस में आप ऐसी फरमाइशें करें तो मैंने आगे भी बताया था वो डेली के ऑफलाइन क्लास वाले एम टी वी रोड बहुत देखते हैं तो फिर वो हमेशा सीधा बेटा तू जाके क्लर्क का एग्जाम दे मैं ऐसा किसी को बोलता नहीं बेटा तू जाके क्लर्क का एग्जाम दे मेरा सिर्फ इतना कहना है आप ग्रेजुएट हैं आप आई बनना चाहते हैं तो थोड़ा खुद का भी दिमाग होना चाहिए कि सिक्वेंस आगे पीछे है तो आप समझ सके आप वो देखा था ये बाद में है पीछे इसलिए क्योंकि लो प्रायोरिटी में है क्या हर एक चीज आपको परोस के दे तो निबंध का पेपर भी परोस के देंगे उसमें तो कुछ भी आता है एनी कमिंग बैक सो ट्रेडिशनल सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम थी अपनी रेपो रेट रेपो रेट में दो पार्टी होती एक बाजू था आर जो आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मांगता था और आपको पैसा लोन में देता था तो पार्टी नंबर वन सामने पार्टी नंबर टू इज बॉरोवर बॉरोवर में आरबीआई के क्लाइंट्स आते हैं अब आरबीआई के क्लाइंट में बैंक भी आता है एल वगैरह नॉन बैंक भी आते हैं यूनियन गवर्नमेंट भी आता है स्टेट गवर्नमेंट भी आता है प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक आई वो सब भी आते हैं तो ये लोग आपस में ये खेल खेल रहे हैं सो दैट इज वी कैन कॉल देम बाय पार्टी बाय पार्टी मतलब पार्टियां दो ही हैं एक तरफ आरबीआई दूसरी तरफ आरबीआई के अलावा वाले लोग और ये सिस्टम चलता है क्यों हर एक का खुद का लीगल स्टैंडिंग है रेपुटेशन है ट्रस्ट है पूरी सिस्टम में कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, नहीं भी, कोई वापस suppose ने रतन टाटा के कंपनी के कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदे थे जिसकी सपोज आठ साल की टेन्य थी तो मुकेश अंबानी को रतन टाटा साहब मुझे आठ साल बाद प्रिंसिपल इंटरेस्ट अच्छी रकम मिलेगी बट इन बिटवीन उसको कुछ काम आ गया और शॉर्ट टर्म के लिए मुकेश अंबानी को लोन में पैसा चाहिए और वो अपने ऐसे टाटा कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया तो उसके पास अभी बॉन्ड है वो कहीं पर गिरवे रख के पैसा बोरो करना चाहता है जस्ट लाइक दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बट देर इज अ प्रॉब्लम वो ये वाली चीज को ईकूबेयर प्लेटफॉर्म में डाल नहीं सकता क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है तो क्या किया जाए इन सब कॉर्पोरेट कंपनियों को भी आसानी से लोन मिले ऐसी कुछ सुविधा करते हैं इसलिए 2017 में नोटिफाई किया गया ट्राई पार्टी रेपो एग्रीमेंट यानी यह सिस्टम आरबीआई के बाहर है आरबीआई ने इसको परमिट किया क्योंकि आरबीआई के पास पावर है आरबीआई एक्ट में यह सब करने के पावर है उसके पास जो हम लोग आगे आरबीआई के एक्ट में समझेंगे खैर तो ट्राई पार्टी मतलब क्या एक तरफ तो है बोरोवर मुकेश भाई को जिनके पास ऐसी कुछ टाटा कंपनी की या किसी की ऐसी बॉन्ड है कमर्शियल पेपर कुछ है वो जाकर एक कस्टोडियन कस्टोडियन मतलब वो गिरवे रखने की पूरी तिजोरी की व्यवस्था करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो सब कौन लोग हैं हम लोग पढ़ेंगे पिलर वन सी में उसके पास रखेंगे और बोले मुझे सात दिन का चौदह दिन का इतने दिन का करवा के दो तो। फिर ये कस्टोडियन उसके पास बहुत सारे लैंडर्स भी रजिस्टर्ड होंगे जैसे एल आई सी एक्सिस बैंक एस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया जस्ट लाइक मेट्रीमोनी साइड में एक तरफ ग्रूम होता है ब्राइड होता है इधर भी और वो सब लोग आपस में रजिस्टर करके जिसको जमता है दे विल फॉर इट सो दैट इज द आइडिया ऑफ कस्टोडियन कस्टोडियन विल एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन द टू पार्टीज कौन सा लैंडर और बोरोर तो बस उधर काम हो गया कस्टोडियन बोलेगा मेरे पास ये है आप समझ लेना कि आपके पास है और लैंडर बोलेगा ठीक है ये लो सौ करोड़ शर्त है कि बाद में एक सौ चार करोड़ में वापस मैं खरीद लूंगा या आप खरीदेंगे मुझसे एंड लाइक दैट दे विल वर्क आउट द इंटरनल थिंग्स तो कस्टोडियन का काम है कस्टडी ऑफ द कोलेट्रल पेमेंट एंड सेटलमेंट और ये सब करने के लिए उसको कमीशन मिलेगा ये पूरी सिस्टम में सो दैट इज द आइडिया ऑफ ट्राई पार्टी रेपो एग्रीमेंट इससे फायदा क्या है मुकेश भाई को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करना था और उनके पास कुछ ऐसी टाटा कंपनी की बॉन्ड कमर्शियल पेपर सिक्योरिटीज थी उसको गिरवे रख के उनका काम हो गया दिस इज नॉट अ टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई आरबीआई यहाँ पर कुछ बोलता नहीं कि इसका फोर परसेंट करना या फाइव परसेंट वो आरबीआई के पावर में नहीं है वो तो आपस में ये लोग तय करेंगे किसको कितनी ज्यादा जरूरत है डिपेंडिंग ऑन हाउ ईगर यू यू आर विल डिसाइड हो सकता है इधर बारह परसेंट भी मांगे तो देगा या सिक्स परसेंट भी डिपेंड्स उनकी अपनी सप्लाई डिमांड एंड नेसेसिटी में तय करेंगे हमने क्यों पढ़ा क्योंकि टर्म मिलता जुलता है रेपो अग्रीमेंट चीज तो वहां यही हो रही है बट ये कस्टोडियन बीच में कस्टडी लेने का काम करता है अगेन वेर इज दिस इन हैंड आउट तो ये पूरी चीज़ जब रेपो रेवर से खत्म होगा तो इधर आखिर में दी गई ट्राई पार्टी रेपो रेट दिज आर मित्रो लाइक मिसेलेनियस थिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लो प्रायोरिटी टॉपिक है प्राइमरी टॉपिक है रेपो रेट फिर कोरोना रिवाइवल में जो उसने रिफॉर्म लिए जैसे टीएल वगैरह फिर ये मिसेलेनियस थिंग टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन में कुछ किया ट्राई पार्टी रेपो अब वैसे तो हमने देखा था कि टू थाउजेंड नाइनटीन तक का करना चाहिए बट उससे पहले वाले भी सवाल आते हैं तो कभी कभी वन वर्ड एसोसिएशन में कुछ आए तो कंटेम्पर इशू हमको पता होने चाहिए सो वी आर डन ये हमने एल टी आर ओ स्पेशल विंडो और वो सब मिलते जुलते टॉपिक देख लिए नाउ अगेन लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी All right, friends, our break period is over. Let us move forward. Suppose YouTube में हम लोग एक पांच मिनट का वीडियो बनाए तो शुरुआत में, डाल सकते, हैं, अंत में डाल सकते हैं कितने हुए? दो लेकिन सपोज मैं वन आवर का वीडियो बनाऊ तब जानते हैं शुरुआत में ऐड, फिर हर सात आठ मिनट में ऐड, 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 तो बहुत सारे ऐड डाल सकते हैं यानी ज्यादा पैसा सो एज ए रिजल्ट वॉट है टी मतलब ये टॉपिक की यूटिलिटी क्या है दो स्लाइड का काम था दो स्लाइड में पाँच मिनट बोला बात खत्म लोग इसके भी चालीस चालीस मिनट के वीडियो बनाते हैं जो किसी काम के नहीं अब आप लोग समझ गए लेकिन यही अप्रोच आपने सभी सब्जेक्ट में रखना है चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी है हिस्ट्री है जोग्राफी पॉलिटी एनीथिंग ऑब्जर्व द प्रीवियस पेपर्स यूपीएससी की आप जरूरत समझे ऑफकोर्स सम टफ क्वेश्चन बट ज़्यादातर काम में इतनी मजूरी नहीं लगती सो so, ऑलवेज Compress your preparation, जुल में हर एक सब्जेक्ट में हमने ऐसे लिंद और स्लिम होकर ही काम करना है सो नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनलिटी अब मार्जिनलिटी से पहले वापस चार्ट बनाते डिपोजिट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सौ करोड़ आए उसमें से तीन करोड़ उन्होंने सी आर आर में रखे सपोज अठारह करोड़ की उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली वैसे गोल्ड भी खरीद सकते हैं बट उन्होंने सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी तो बचे उनके पास सेवेंटी नाइन करोड़ उसमें से उन लोगों ने एडिशनल नौ करोड़ की रखी थी सिक्योरिटी फिर बाकी सेवेंटी करोड़ बेच दिए थे और ये नौ करोड़ वाला मतलब कि एस कोटा के जो बाहर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उसको रेपो में गिरवे रख के उन्होंने सब खेल खेले तो यानी कि बैंक की जो एसेट है सी आर आर जिसमें जी सेक गोल्ड कैश वो सब रख सकते हैं और फिर उसके बियॉन्ड दैट अगर आपके पास जी सेक है वो वाली चीज सिर्फ इसको गिरवे रख के हमने रेपो का खेल खेला उसको गिरवी रख के हम लोग एल का गेम खेल सकते हैं या टी एल का गेम खेल सकते हैं इट इज लेकिन ये जो एस एल आर कोटा के नाम पर हमको बोला गया 18% ऑफ योर डिपॉजिट कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना है उसको गिरवे नहीं रख सकते वाय वो तो ऐसी चीज है कि वहां पर आपने बैकअप वाली चीज रखनी है सो यू कैन नॉट प्लेज इट टू आरबीआई एंड बोरो मनी दैट इज द आइडिया लेकिन फिर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए सपोज बैंक के पास 100 करोड़ आए थे तीन करोड़ उन्होंने सीआरआर में रखे 18 करोड़ जी सेक में रखे बचे 79 करोड़ और सारे 79 करोड़ उन्होंने लोन में घुमा दिए या फिर कि उन्होंने कुछ जी सेक खरीदे भी थे बट सपोज कि वो वाले जी सेक ऑलरेडी उन्होंने रेपो रेट में एल टी आर ओ टी एल टी आर ओ में कहीं घुमा दिए एंड नाव दे डू नॉट हैव एनी जी सेक कि जिसको वो गिरवे रख के आर बी आई से पैसा बोरो कर सके ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में ये जो आपके पास एस एल आर कोटा में जी एक् है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बैंक रन के दौरान ग्राहकों को शांत करना उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ये जो एस एल आर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको भी आर बी आई के अंदर आप प्लेज कर सकते हैं और उसके सामने आर बी आई आपको लोन देगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एम एस एफ लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिट्स होते हैं कि ये जो इतना है तो उसका सपोज बोला जाए इसका फाइव परसेंट ही आप जाकर उधारी में इसमें डाल सकते हैं वरना तो कोई बैंक इतना निकम्मा हो कि ये सारी अठारह करोड़ की सारी एम एस एफ में डाल दे तो फिर जब बैंक रन होगा तो उनके पास तो इधर कुछ भी नहीं होगा तो सोचो कि इतनी क्राइसिस हो सकती है इसलिए देर आर सर्टेन रूल्स की इस चीज का एक्स परसेंटेज आप गिरवे रख सकते हो और एम एस एफ में आपको पैसा उतने कोटे का मिलेगा वो एक्स परसेंटेज क्या है काम करने सो वी हैव लर्न अबाउट रेपो रेपो सिस्टम जो अभी हम लोग समझे वो सिस्टम चालू होती है साल 2000 से उसका रेट क्या है प्रेजेंटली 4 परसेंट तो वो जो भी एक्स परसेंटेज है वो कौन डिसाइड करता है आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे फिर आता है ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी साल दो से उसका रेट आर अलग से तय नहीं करती बट रेपो का जो भी रेट होगा उसके ऊपर पॉइंट ट्वेंटी कर दो तो आपको जवाब आप मिल जाएगा एमएसएफ

तो रेपो रेट उसमें शर्त क्या है आपने गिरवे क्या रखना है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल ऐसा कुछ बट एस कोटा वाली चीज़ आप गिरवे नहीं रख सकते वेर एज इन केस ऑफ एम चीज़ क्या है एस कोटा वाली वो सब जी सैक टी बिल वगैरह आप गिरवे रख सकते हैं और एमएसएफ की मेकेनिज्म रेपो जैसी ही है कि जो भी अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सपोज जो माल है सौ करोड़ में बेचेगा और फिर कसम खाएगा कि मैं वापस उसको खरीद लूंगा कितना एक सौ चार करोड़ पच्चीस लाख रुपए में दैट इज द थाउजेंड 2014 प्रीलिम का प्रश्न देखो द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी अपियरिंग इन द न्यूज आर यूज इन रिलेशन टू वट सप्लाई डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं मिलिट्री स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं जवाब क्या है बैंकिंग ऑपरेशन सो अगेन वो कितने कौन से ईयर से शुरू किया या कितना परसेंटेज ये सब क्यों नहीं पूछा राइट right? क्योंकि सबको उन्होंने अपॉर्चुनिटी देनी है यूपीएससी ने याद करो आगे भी इजी प्रश्न हमने देखे डिपॉजिट इज नॉट एन एसेट ऑफ द बैंक मनी मल्टीप्लायर में बैंकिंग हैबिट का रोल रुपए कार्ड और वो फंक्शन ऑफ एन एंड दिस आई कोर बैंकिंग सोलूशन क्या होता है वगैरह सो ऑलवेज इन प्रीलिम एग्जाम यू विल फाइंड सच थिंग्स बट लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता एकदम जो पेड़ पर ऊपर की चीज है उसको तोड़ने को जाना है सो वी आर डन विद द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी उसके बाद वाली चीज है बैंक रेट बैंक रेट मीन्स वाट रेपो रेट तो हमने समझ लिया एमएसएफ समझ लिया बेसिक आइडिया क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं रेपो रेट तो सभी क्लाइंट ले सकते हैं एमएसएफ में सिर्फ बैंक वाले ले सकते हैं और एस एल आर कोटा की जी सेफ को गिरवे रख के लेते हैं सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बैंक रेट मतलब चीज क्या एक्चुअली इट इज एन ऑब्सक्योर थिंग वो पुरानी वाली चीज़ जैसे ऑर्कुट और माई स्पेस क्या भाई वो अब कुछ रहा नहीं ये 1934 के आर बी आई एक्ट में इसका जिक्र है इसकी वैल्यू क्या होती है आर बी आई ने तय किया कि एम एस एफ की जो वैल्यू होगी कितना रेपो रेट प्लस पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट तो जितना भी एम एस एफ परसेंट होगा बैंक रेट भी उतना ही होगा अब ये बैंक रेट का टेन्योर कितना इट इज गिवन फॉर अ लॉन्गर टर्म लॉन्गर टर्म मतलब कितना चौदह दिन से ज्यादा एक साल के लिए कितना भाई वो अलग अलग बुक में अलग अलग सोर्सिस में अलग अलग दिया गया है क्योंकि ये चीज फ्रीक्वेंटली यूज होती नहीं इसलिए आरबीआई की इंटरनल मेकेनिज्म क्या है बहुत एक्सप्लिस उन्होंने वेबसाइट पर न्यूज में बहुत चलता नहीं जिन लोगों ने बुक लिखी थी उन्होंने भी दो हजार में फिर उसको बहुत अपडेट नहीं किया सो देर फॉर वी नीड नॉट वरी टू मच बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इधर भी लोन में पैसा घुमाते बैंक रेट के अंदर पैसा बोरो कौन कर सकता है सिर्फ बैंक वाले आर से पैसा बोरो करते हैं लेकिन सर कुछ सोर्स न्यूज वेबसाइट बोलेंगे और क्लाइंट भी बोरो कर सकते हैं क्या इसमें हमने कुछ कोलेट्रल रखना है गिरवे रखना है सम बुक्स बुक्सवील्स यहाँ रखना है कुछ बोलेंगे नहीं रखना है द पॉइंट इज ये जब साल 2000 के अंदर रेपो रेट सिस्टम अस्तित्व में आती है उसके बाद ये बैंक रेट सिस्टम इट हैज बिकम अ डॉर्म अवस्था में चला गया है नॉट फ्रीक्वेंटली यूज बाई आर टू डू एनीथिंग क्योंकि जो बैंक है उसको डिपोजिट में ढेर सारा पैसा आता ही है तो लोन किसके लिए चाहे शॉर्ट टर्म इमरजेंसी में तो रेपो में ले लिया बात खत्म बहुत इमरजेंसी एम में ले लिया बात खत्म ऐसा तो कभी सीन आता ही नहीं कि बैंक रेट में कटोरा लेके जाना पड़ेगी हमको दो साल तीन साल की कुछ दे दो और अभी आप देखो रेपो में इन्होंने बोल दिया वन ईयर और थ्री ईयर की हम लोग लॉन्ग टर्म वाली देंगे तो बैंक रेट वगैरह कोई नॉर्मल चीजें हो गई इसलिए बुक्स वेबसाइट रिसोर्सिस डिफर ऑन प्रेजेंट डे ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ बैंक रेट बट द पॉइंट इज बैंक रेट नाम की एक चीज़ होती है उसका अब उद्देश्य क्या है इट इज़ यूज मेनली फॉर डिसाइडिंग पेनल्टी रेंट दंड की रकम तय करता है सपोज कोई बैंक सी आर आर मेंटेन नहीं करता तो उस पर पेनल्टी क्या लगेगी जितने दिन तक उसने सी आर आर मेंटेन नहीं किया तो जितना भी बैंक रेट होगा उसके ऊपर एक्स परसेंटेज ऐसा करके कुछ पेनल्टी लगाएंगे वो भी कितनी हमको कुछ खास काम की नहीं तो बैंक रेट की प्योरली अगर हम लोग एनसीआर टी टेक्सट बुक डेफिनेशन देखने जाए तो कुछ ऐसी है कि अंडर द आर बी आई एक्ट बैंक रेट इज द स्टैंडर्ड रेट एट विच आर बी आई बाईज और री डिस्काउंट्स फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर कमर्शियल पेपर्स अब वो उस जमाने में चलता था अब तो ज़्यादातर ऐसी चीजें अस्तित्व में भी नहीं फॉर एग्जाम्पल ये जो कंपनियां हैं उनको पैसा बोरो करना है तो सीधा लोन भी ले सकते हैं या बाजार में अपने सिक्योरिटीज इशू करते हैं जैसे हमने आगे पढ़ा बॉन्ड डिबेंचर होते हैं उसी प्रकार बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं कमर्शियल पेपर होते हैं प्रोमिसरी नोट तो अंग्रेजों के जमाने में तो ऐसी चीजें भी वो बैंक वालों में गिरवे रख के और बैंक वाले वही चीज़ फिर आरबीआई में गिरवे रख के पूरा खेल जो खेला जाता था उस वक्त जो आरबीआई लोन रेट चार्ज करता था दैट वाज बैंक रेट तो प्रेजेंटली नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट तो बैंक रेट क्या है उसकी अलग से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक यूपीएससी प्रिलीम के प्रश्न हम देखे तो वेरी बेसिक स्टेप दे है तो उसमें इन्फ्लेशन से कैसे लड़ना है डिफ्लेशन से कैसे लड़ना यूजिंग अ पर्टिकुलर रेट तो वो जो प्रिंसिपल है वो तो बैंक रेट एमएसएफ रेपो सब में एक ही है कि भाई इन्फ्लेशन से लड़ना है उनको इंक्रीज करो डिफ्लेशन से लड़ना है तो इनको डिक्रीज करो सेम रहता है कुछ प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले बेफिजुल में इधर उधर से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन निकालते हैं वो काम के नहीं है तो हम लोग सपोज़ बैंक रेट या रेपो रेट या एम एस एफ जो मान लीजिए कि सेवन परसेंट है उसकी मदद से हम लोग आर बी आई कंट्रोल कैसे करें इन्फ्लेशन को सपोज़ ये तीनों रेट है सेवन परसेंट और सपोज़ बाज़ार में पब्लिक का एटीट्यूड ऐसा है कि एस बी आई को एक पैसा भी डिपोज़िट नहीं देंगे तो एस बी आई में डिपोज़िट इज ज़ीरो और फिर भी एस बी आई को इच्छा है कि मुझे तो कम से कम सेवन परसेंट प्रोफिट दिखना चाहिए हम जिसे प्रॉफिट कहते हैं बैंक वाले उसे अपनी भाषा में मार्जिन या स्प्रेड कहते हैं तो अब एस क्या करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक रेट एम एस एफ रेपो रेट के नाम पर सेवन परसेंट ब्याज पर सौ करोड़ लोन में लेकर आएगा और उस पर उसको सात परसेंट एक्स्ट्रा खुद कमाना है तो लोन का इंटरेस्ट रेट कितना रखेगा फोर्टीन परसेंट ब्याज पर लोन घुमाएगा दिस इज सीन वन नाउ सपोज देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन के वक्त हमने क्या करना चाहिए लोन को और महंगा कर दो ताकि पब्लिक लोन कम ले शॉपिंग कम करे तो सपोज ऐसी परिस्थिति में आरबीआई अपना बैंक रेट रेपो रेट एम जो भी है सेवन परसेंट से बढ़ा के कर दे सपोज थर्टीन परसेंट अब रिजर्व बैंक से स्टेट बैंक वाला लोन में पैसा लेगा और स्टेट बैंक को मांगता है कि मुझे भी उस पर सेवन परसेंट प्रॉफिट एक्स्ट्रा होना चाहिए तो वो लोन घुमाएगा कितने में ट्वेंटी ब्याज पर तो होम लोन के इंटरेस्ट रेट जो पहले थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए ट्वेंटी परसेंट हो गए तो अपने आप लोन में लोग घर खरीदे के कम सो रिड्यूस डिमांड ऑफ हाउसेस तो बिल्डर ने अपना प्राइस गिरवाना पड़ेगा ताकि ग्राहकों को वो अट्रैक्ट कर सके तो अपने आप अगर होम सस्ते हो गए तो आप कहेंगे इन्फ्लेशन काबू में आ गए अगर डिफ्लेशन का प्रॉब्लम है तो इसका रिवर्स करना है कि आप लोन इंटरेस्ट है थोड़ा कम कर दो अल्टीमेटली अवर आइडिया इज़ वॉट टू टू सिक्स परसेंट के ब्रैकेट में हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है <coughs> इधर भी दोस्तों मॉरल आउटेजी से कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि आरबीआई खुद से ही पब्लिक को लोन में क्यों नहीं दे देता ट्वेंटी परसेंट पर होम लोन या फोर्टीन परसेंट पर ये बीच में ये सब बैंकों का क्या काम है भाई उसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का कोई केस आता है तो सरकारी वकील होता है उसका नाम आपको पता है उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए उसी को बोला जाए कि तुम ही अटॉर्नी जनरल भी बन जाओ यानी जज भी तुम और सरकारी वकील की तरह सामने आके तुमने ही अपने को दलील देनी और तुम काम करना भाई आरबीआई का, का काम है रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री वो एक प्रकार का जज जैसी भूमिका में है उसके पास मैन पावर इज लिमिटेड अराउंड सिक्स हंड्रेड ऑफिसर्स और कुछ क्लरिकल स्टाफ है और उसको ट्रेनिंग क्या दी गई है रेगुलेशन सुपरविजन बहुत खींच के ये सब मोनिटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन कंट्रोल वगैरह की अगर आर खुद से बिजनेस को लोन देना शुरू करे और सपोज वो विजय माल्या जैसा है जो लोन लेके भाग जाए और सपोज आर उसको लेनियन सी दे देगी तो उसको माफ किया तो बाकी जितने बैंक है वो भी अपने बिजनेसमैन को ऐसा ही करेंगे और तब आर उनको कड़क बन के कुछ सबक नहीं सिखा सकता क्योंकि वो खुद अब ठीक से काम नहीं कर सो देयरफॉर आरबीआई खुद लोन नहीं देता सिवाय कि वो सीधा बैंक को दिया या गवर्नमेंट को वो एक एक आदमी को इंडिविजुअल फैमिली को क्यों नहीं देता इधर जाके क्यों नहीं देता वेल दैट इज नॉट हिज टास्क ये जो अपना हैंडआउट है वहां पर ये अलग-अलग टूल्स हम पढ़ेंगे फिर हम जब पेज 49 पर जाते हैं तो इन सब सब की एक रैपिड रे, रे, रिवीजन टाइप का टेबल है तो सपोज डिफ्लेशन की परिस्थिति है कि ऑनियंस आर सेलिंग ओनली फॉर फाइव रुपीज़ तो हमने वो पढ़ा था फिलिप का कि जिस हिसाब से ये ठीक नहीं होगा बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन से लड़ने के लिए आपने क्या करना चाहिए मनी सप्लाई बढ़ाओ इंजेक्ट लिक्विडिटी मेक लोन्स चीपर कंजम्पशन इम्प्रूव होगा और इन्फ्लेशन से लड़ना है तो उसका उल्टा करो मनी सप्लाई कम करो मेक लोन एक्सपेंसिव वगैरह एंड अकॉर्डिंगली ईजी चीप डॉब या एक्सपांसनरी पॉलिसी या महंगाई से लड़ना है टू फाइट इन्फ्लेशन टाइट मनी पॉलिसी डियर मनी पॉलिसी हॉकिस या कॉन्ट्रैक्शनरी संकुचनवादी पॉलिसी तो दोनों ही जगह पर ये जो सी आर आर उसमें क्या करना है इन्फ्लेशन से लड़ना है उसको सी आर आर एस एल आर बढ़ा दो तो डिफ्लेशन से लड़ना है तो क्या करना है कुछ दिमाग नहीं लगाना बाजू में जो है उसका उल्टा बोलना शुरू करो रिवर्स करना है फिर ये सारे की रेट्स की रेट्स में कौन से रेपो रेट एमएसएफ बैंक रेट अगर महंगाई से लड़ना है तो क्या है लोन महंगे करवा दो तो इन सबको इंक्रीज कर दो तो फिर डिफ्लेशन से लड़ना है पांच रुपए का ऑनियन पंद्रह रुपए के करवाना है तो क्या करना है लोन सस्ता करो तो ये सबको हमने डिक्रीज कर देना सो दैट मच इज मोर देन सफिशिएंट टू डील विद द विद्यू खैर तो अब हम लोग एक प्रीलिम 2013 का प्रश्न देखते हैं एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट ऑप्शन ए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी एंड ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी और आपके टाइम शुरू होता है सुमित विदुषी अपूर्व भार्गव नवजोत ओमकार दीपांशी मुकुल चित्रंजन रेवाली गरिमा आशुतोष अखिलेश श्रुति धीरज गुरदिल कौशिक संदीप दीपाली शालिनी अखिल अनुराग अंकित मानस पल्लव सौविक प्रियंका इग्नोरंट नृलंजन शुभित वलन शिवांगी नीतुष सुजीत विशाल नवदीप शुभंकर सुहानी सुमित अश किरण इग्नोरंट ब्लॉक मीनाक्षी थ्री आउट ऑफ थ्री करेक्ट हाँ तो क्या है प्रश्न में पूछा गया है तो in तो की रेट अपने में ये बेंक रेट. बेंक रेट में क्या है? भाई जब से लड़ना होगा तब इसको बढ़ाते होंगे और ऐसी पॉलिसी को हम टाइट मनी डियर मनी हॉकिश मनी या कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी बोल सकते हैं क्यों लोन महंगे हो जाएंगे तो ये सब उसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द है तो सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी दैट इज द आंसर डी सपोज इसको कॉम्प्लीकेट करने के लिए ऐसा करे वन टू थ्री फोर एंड देन ओनली वन एंड टू ओनली थ्री एंड फोर ओनली फोर वगैरह तो बाकी सब स्टेटमेंट कैसे लगते हैं इफ बैंक रेट रेट इज इज इंक्रीज देन मार्केट ऑफ इंटरेस्ट लाइकली टू फॉल भाई आरबीआई अपनी लोन महंगी करे और बैंक वाले अपनी लोन सस्ती करे ऐसा तो थोड़ी होगा बैंक वाले भी अपनी लोन महंगी करेंगे सो वन इज रॉन्ग सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक तो अगर आर ने लोन देना ही नहीं है तो फिर अपना इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाने का अनाउंस कर रहा है बोलिए देखिए नहीं दूंगा मैं सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी इजी मनी पॉलिसी तो तब बोलते अगर रेट्स को रिड्यूस किया गया सो इजी थिंग अनदर क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम 2011 थाउजेंड इलेवनियम द लोअरिंग ऑफ द बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट लीड्स टू वाट ऑप्शन ए

दीपाली सोहित शुभम प्रीति चित्रंजन मनीष रितिश प्रियंका शिवम प्रणव नवदीप मोनिका दीपक ईशान गुरदिल दीपेंद्र मुनमुन जयदीप देवेंद्र प्रत्युष ओमर कोमल प्रतिभा अनिश अमरीन राम पल्लव अर्पित ये सब लोग फिर सुजीत विशाल नवदीप किरण अनिश अपूर्व निखिल रोहित मेहुल अमृता फोर आउट ऑफ फोर करेक्ट लोअरिंग ऑफ द बैंक रेट तो क्या होगा वापस हैंड आउट में देखते हैं की रेट्स? रेट, MSF, आजकल तो जो भी काम करते हैं वो रेपो रेट से ही होता है बट स्टिल सपोज पूछा गया है तो पूछा गया डिक्रीज इन दिस तो डिक्रीज कब करते हैं वेन वी हैव टू फाइट डिफ्लेशन डिफ्लेशन मतलब पांच रुपए के ऑनियन बिक रहे तब तो यहां पर देखो डिफ्लेशन जब हो तो हमने क्या करना चाहिए मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए वी शुड इंजेक्ट द लिक्विडिटी मेक लोन चीपर कंजम्पशन को एनकरेज करो ताकि लोग और डिमांड करें तो प्राइस वापस बढ़ना शुरू हो जाए सो लोवरिंग ऑफ एनी रेट चाहे बैंक रेट रेपो रेट एम एस एफ सपोज सेवन परसेंट था उसको गिरा कर वन परसेंट कर दो तो फिर ये क्या करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला कि मैं अब पैसा बोरो कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर सस्ते में लोन घुमाऊंगा ये जो शब्द है लिक्विडिटी या तरलता It depends on many context. How easily you can convert an asset into money. Suppose हमने आगे भी शुरुआत में देखा था जेठालाल के पास एक मकान है जिसकी प्राइस वो चाहता है 15 करोड़. ये भाई साहब खरीदना चाहते हैं बट उसके पास पांच करोड़ ही है तो वो दस करोड़ लोन में लेना चाहता है अब लोन अगर सस्ते होंगे तो ऑब्वियसली जल्दी से वो जेठा का मकान खरीद सकता है तो जेठा के जो हाउस हाउस की हमने पढ़ा था लिक्विडिटी कम होती है लेस लिक्विड टाइप ऑफ एसेट बट उसकी भी लिक्विडिटी बढ़ गई बिकॉज वाई बिकॉज नाउ लोन पीपल सो दिंग्स लिक्विडिटी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट्स इन द मार्केट तो मार्केट में अगर सस्ते लोन हो आरबीआई अपने रेट सस्ते करेगा तो बैंक वाले वहां से ज्यादा क्वांटिटी में लोन लेंगे तो अपने आप मार्केट के अंदर लिक्विड एसेड मनी बढ़ जाएगा सो आइदर वे द आंसर इज वॉट

अगर एस वाला ऐसा बोले कि मैं आपको जो थ्री परसेंट देता हूँ सेविंग अकाउंट पे उसके बदले पर फाइव परसेंट दूंगा या गवर्नमेंट आके ऐसा बोले कि अगर आप बैंकों में पैसा सेव करेंगे तो आपको हम लोग इनकम टैक्स में फाइव परसेंट ऑफ करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो पब्लिक डिपोजिट करेगी अदरवाइज हाउ कैन यू अटैक दैम सो बैंक रेट से उससे कुछ होगा नहीं तो अब तक हमने देखा ये जो बैंक रेट है रेपो रेट है एमएसएफ है इन सब की मदद से बैंक वाले रिजर्व बैंक से पैसा बोरो करेंगे तो आप समझो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट से ये क्या है लाइबिलिटी है क्योंकि ये लोन जो भी आरबीआई से लिया है वो उन्होंने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करना होगा सिमिलरली जो डिपॉजिट उन्होंने जनता से लिया है वो भी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लाइबिलिटी है वापस करनी है. और फिर ये सब में से डिपोजिट है तो डिपॉजिट का पैसा उसने सी आर में घुमाएगा और बाकी सब जो रकम बचती है उससे वो कस्टमर को लोन देगा अब कस्टमर को लोन कौन से प्राइस पर वो देगा कितने परसेंटेज पर हमने तो ऐसे जस्ट तुक्के मारने के लिए कि ट्वेल्व परसेंट फोर्टीन सिक्सटीन हमने समझे बट हाउ एग्जैक्टली दे विल कैलकुलेट इट उसके लिए अलग अलग फार्मूला थी बेंच मार्क प्राइम लैंडिंग रेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट एक्सटर्नल बेंच मार्क रेट ये सब टर्म्स है ये क्या है असल में आर बी आई ने ऐसी सब फार्मूला बनाकर बैंकों को दी और उनको बोला कि जब जब मैं अपना रेपो वगैरह कुछ चेंज करूँ उसमें आपने कुछ फ़र्क करना होगा एंड अकॉर्डिंगली आप ये लोन इंटरेस्ट रेट कितने इंटरेस्ट पर ग्राहकों को लोन दे रहे हैं वो आप तय करेंगे अब ये सब जो टर्म है एमसीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क वो भी हम लोग पढ़ेंगे बट वो जो हैंडआउट है उसके लास्ट पार्ट में वो चीज को सो डू नॉट मिक्स अप दिस थिंग्स राइट नाउ सो वी आर डन विथ विद एमएसएफ बैंक रेट रेपो रेट अब एक आसान चीज है एलएएफ रिवर्स रेपो रेट वो पढ़ेंगे और उसके बाद ब्रेक लेंगे रेपो रेट तो हमने समझा कि आरबीआई के क्लाइंट RBA से बोरोट सिक्योरिटी कोलेट्रल में रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी उधारेट में क्या है बस कुर्सियां बदल दो यानी कि इस तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ जाए कि वो बोले मैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लाइंट के पास गिरवे रख के शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करूंगा बाई कीपिंग जी सैक एज लेकिन RBI तो सेंट्रल बैंक है भाई वो क्या कटोरा लेके लोन में पैसा मांगने जाएगा ये बात जमती नहीं है द phrase फ्रेज इज deposit डिपोजिट funds in RBI और सामने RBI उनको सिक्योरिटी के रूप में ये वाली चीज तुम रखो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे ये चीज महंगे दाम में मैं वापस ले लूंगा सो इट इज जस्ट लाइक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले ने आरबीआई से ये सौ करोड़ में खरीदी और फिर सात दिन या चौदह दिन के बाद आर बी इसी चीज को सपोज एक सौ तीन करोड़ में वापस खरीद ले तो एस कितना शॉर्ट टर्म में कमा गया थ्री परसेंट सो दैट विल बी वॉट रिवर्स रेपो रेट यानी कि आर का जो ऑनलाइन ई कुबेर प्लेटफॉर्म है उसमें ऑनलाइन विंडो होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एल जो 2002 में बनी वो विंडो के अंदर दो सब विंडो या खिड़कियां हैं एक तो है रेपो रेट तो कोरोना क्राइसिस पहले के आंकड़े देखते हैं बिफोर कोरोना ये रेपो रेट था 5.15 परसेंट यानी आरबीआई के क्लाइंट वो विंडो से पैसा शॉर्ट टर्म में बोरो करते थे फिर हमने पढ़ा कि आरबीआई नया विंडो और खोलती है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एल फिर वो टी एल इतना पैसा इस जगह पर इन्वेस्ट करना फिर अलग से एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो टू हेल्प द म्यूचुअल फंड्स वो सब देखा बट वो ऐसी चीज है दोस्तों कि वो अलग विंडो है उन विंडो ने ये जो सिस्टम है हमारा ट्रेडिशनल रिपो और ट्रेडिशनल रिवर्स रेपो उसको बंद नहीं किया वो सब चीजें चालू ही है ये ऐसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में नई नई चीज आती है तो ऐसा नहीं कि पेंट और कैलकुलेटर डिसकंटिन्यू हो गए तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसमें वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सबसे लड़ने के लिए प्राइमरीली रेपो रेट को ही चेंज करता है बाकी सब चीजों को बहुत टच नहीं करता इसलिए रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है सो दैट इज डन ओके रेपो रेट कोरोना के पहले 5.15 तो रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या एस बी एक्सिस और बाकी सभी क्लाइंट्स आरबीआई के गवर्नमेंट एल आई वगैरह उनके पास सरप्लस पैसा है एक्स्ट्रा पैसा है और वो आर में शॉर्ट टर्म के लिए रख के आर से इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट उस पर आरबीआई उनको कितना इंटरेस्ट ऑफर करता था भाई उस जमाने में बिफोर कोरोना द विंडो वॉज लाइक दिस कि वॉट एवर इज द रेपो रेट उसमें से माइनस ट्वेंटी तो बस उतना ब्याज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने क्लाइंट को शॉर्ट टर्म डिपोजिट के लिए देगा सेपरेटली एक और विंडो थी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लेकिन वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अलावा वाली चीज समझते थे जहां पर हमने समझा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे एस बी आई एक्सिस शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करते हैं और वहां पर वो क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करेंगे फ्रॉम देर एस एल आर कोटा तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है तो जो भी रेपो रेट है उसके ऊपर पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट एड करो तो कितना प्लस पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फाइव फोर्टी इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसके अलावा एक और विंडो है बैंक रेट अब बैंक रेट ऐसा नहीं कि उसका फॉर्मूला बनाए कि इस पर इतना परसेंटेज ऐड करो, but usually, जो भी MSF रेट होगा कि इतना है 540, तो बैंक रेट भी उसके इक्वल ही आर रखती है तो नाउ देर इज अ टर्म कॉल पॉलिसी कॉरिडोर कॉरिडोर मतलब गलियारा तो गलियारे की आप क्या गिनते हैं विड्थ कितनी है तो गलियारे की विड्थ कितनी है भाई ये अपना सेंट्रल पॉइंट है रेपो रेट इस तरफ है पॉइंट ट्वेंटी फाइव बेजिस पॉइंट इस तरफ है दिस थ्री थिंग्स उसको बोला गया पॉलिसी कॉरिडोर कितना है पॉइंट ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट नाउ आफ्टरवर्ड्स देर वॉज अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये था कि कोरोना लॉकडाउन में ये एस बी आई के बाबू देखो रजनीश कुमार कुर्सी में हाथ डाल के बैठ गए हैं एटीट्यूड कुछ ऐसा हो गया कि कोरोना क्राइसिस के चलते बहुत कम लोग हमसे लोन में पैसा लेने के लिए आ रहे हैं तो बेटर व्हाट वी डू इज अपना सारा जो भी पैसा है एसबीआई के के पास जितना पैसा है वो आरबीआई की ये जो रिवर्स रेपो रेट वाली विंडो है वहां पर हम लोग पार्क कर देते हैं क्योंकि वहां से हमको फोर तो मिल ही रहा है तो बस पार्क अवर डिपोजिट इन आर से रिवर्स रेपो रेट तो हो गई मज्जानी लाइफ कुछ काम नहीं करना अब ऐसी परिस्थिति में आर को ऑब्वियसली भाई तुम काम करो ये क्या है सो so, आर डिसाइडेड कि सबक सिखाता हूँ सबक सिखाने के लिए उसने ये जो गलियारा है उसको चौड़ा कर दिया लेकिन दोनों साइड से इक्वली चौड़ा नहीं किया एक साइड ज़्यादा चौड़ा कर दिया एक तो हमने आगे ही पढ़ा कि कैसे उन्होंने रेपो रेट गिराकर फोर परसेंट किया ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिले क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में था तो रेपो के ऊपर तो अब ये जो नीचे की रेपो रेट था, जो पहले की माइनस पॉइंट ट्वेंटी रहता था उसको उन्होंने एक्स्ट्रा चौड़ा कर दिया माइनस पॉइंटी फाइव परसेंटेज यानी कि अब ये ऐसा कॉरिडोर है कि सिमेट्रिक दोनों साइड सड़क इक्वल नहीं है इस तरफ थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो गई तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है ए सीमेट्रिकली वाइड किया है इसको एज अ रिजल्ट वॉट विल है उसमें से माइन फोर परसेंट उसमें से माइनस पॉइंट सिक्सटी फाइव परसेंट माइनस करो तो हमको जो जवाब मिले वो है थ्री पॉइंट थर्टी फाइव परसेंट इट इज द इंटरेस्ट रेट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले अपने एक्स्ट्रा फंड्स आर में डिपोजिट करेगा तो सिर्फ उसको इतना ब्याज ही मिलेगा तो स्वाभाविक भाई अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अच्छा नहीं लगे मेरा तो बैड लक ही खराब है तो ना व्हाट इज़ द विड्थ विड्थ यहाँ पर कितनी हुई ये तरफ है पॉइंट ट्वेंटी फाइव और ये तरफ है पॉइंट सिक्सटी फाइव तो मतलब कुल मिलाकर हुआ पॉइंट नाइन्टी परसेंट अब इकोनॉमी में टर्म ऐसे होते हैं सपोज वन परसेंट है तो उसको ऐसे लिखते हैं हंड्रेड बेजिस पॉइंट्स तो इधर अगर पॉइंट नाइंटी परसेंट है तो उसको कैसे लिखेंगे नाइन्टी बेसिस पॉइंट्स उसी प्रकार ये जो पहले गलियारा था उसकी टोटल विर्थ क्या थी ये यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए ये होना चाहिए ट्वेंटी फाइव तरफ ट्वेंटी फाइव तरफ सो टोटल विर्थ वॉज फिफ्टी बेसिस पॉइंट्स। जो बढ़ाकर अब कितनी हो गई नाइन्टी बेसिस पॉइंट्स एंड द आइडिया इज वॉट द आइडिया सिंपल ये कुर्सी में ऐसे पाओ पसार के बैसे नहीं देट इज दाउटिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डिपोजिट करती है वहां पर सेविंग अकाउंट पर सपोज थ्री परसेंट फिक्स डिपोजिट पर फाइव परसेंट दे रहे थे और ये अब कि मजानी लाइफ आराम से बैठे थे तो अगर रिवर्स रेपो रेट में पैसा सब डाल देते तो आर बी आई उसको हार्डली थ्री पॉइंट थर्टी फाइव परसेंट ही दे रहा है तो सोचो आरबीआई से कमा रहे मान लीजिए अराउंड थ्री परसेंट बोल रहे हैं। और इधर फिक्स डिपॉजिट वालों को देना है फाइव परसेंट तो बैंक को असल में लॉस होगा माइनस टू परसेंट का और एडिशनली स्टाफ सैलरी भी देना है लाइट बिल देखो सिक्योरिटी गार्ड सर्वर कॉस्ट तो यानी अगर एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट में पैसा पार्क करेगा तो वो घाटे में चला जाएगा तो अब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा रजनीश राय पर स्टाफ को बोलेंगे भाई प्रोएक्टिवली बहुत उत्साह में आप लोन घुमाना शुरू करो टेली मार्केटिंग करो एस एम एस पाम करो ई मेल्स पाम करो धूम मचा दो तो उनके भी सब स्टाफ मेम्बर या सर धूम मचा देंगे हम लोग सो दैट इज दाइट ताकि इकोनॉमी में ज्यादा लोन घूमे और हम इकोनॉमी को वापस, वापस रिवाइव कर सकें सो वी आर डन विद दिस एल एफ रिवर्स एप रेट एज वेल उसके बाद एस टी एफ और दूसरी चीज है बट अगेन लेटेस्ट ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स और फिर उसको देखते हैं All right, friends. So break period is over. The next topic after reverse repo rate is SDF. ये हमने जो RBI के e-Kuber platform पर liquidity adjustment facility देखी, जिसके अंदर एक काम होता है कि repo rate की मदद से client अपनी government security गिरवे रखता है, सामने पैसा लेके आता है, तो बाजार में money supply is one type of injection दे दिया. Reverse repo rate में क्या है? आर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनको देगा और सामने एब्जॉर्ब कर रहा है मनी सप्लाई सो दैट इज़ यहाँ पर ये वाले विंडो में आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी या तो आपके पास या आर के पास होनी चाहिए तभी ये गेम खेल सकते हैं फिर हमने पढ़ा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विंडो कि जहाँ पर बैंक वाले अपनी एस कोटा की सिक्योरिटीज़ सपोज उसको मैं ग्रीन कलर दे दूँ उसको गिरवे रखते हैं और वहाँ से आर से पैसा लेके आते हैं और आर बाज़ार में पैसा इंजेक्ट करती तो ये गेम में भी शर्त क्या है ये ऐसी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए तो क्या कुछ ऐसा विंडो नहीं बना सकते जहां पर बिना ऐसी सिक्योरिटी के ही हम लोग ट्रांजेक्शन कर सके बिकॉज ईच ऑफ दिस रिक्वायर सम टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्लेजिंग और रीपर्चेज बट वॉट इफ़ देर इज अ शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी शायद आर के पास है इनके पास नहीं है कुछ खेल करना है तो एक नया विंडो प्रपोज किया गया जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी यानी एस एच डी एफ विंडो में कोई सिक्योरिटी चाहिए कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए सीधा बैंकों को बोला गया कि आपके पास एक्सेस पैसा है तो आप यहाँ आर को वो पार्क कर सकते हैं और उस पर आप अगर मैं या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा पार्क करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमको डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है सिमिलरली यहाँ पर आर इन बैंकों को इंटरेस्ट में पैसा देगा लेकिन सामने वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किया फिर RBI वापस करता जैसा कि रिवर्स रेपो, रेपो रेट में होता था ऐसा रिवर्स रेपो, रेपो रेट वाला इधर कोई गेम नहीं क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बीच में रखनी है नहीं है सो दैट वॉज द आइडिया ऑफ स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी ये वाली चीज वैसे तो 2013 में एक उर्जित पटेल कमेटी बनाई उसने प्रपोज किया कि ऐसी एक स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी होनी चाहिए जिसकी मदद से आरबीआई ये जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ऐसी कोई कोलेटरल के अलावा भी मैनेज कर सके मैनेज कैसे कर सकते हैं उसको कुछ प्लस माइनस करके वो मनी सप्लाई अप डाउन कर सकते 2018 में अनकोलेट्रलाइज डिपॉजिट फैसिलिटी ऐसा एक शब्द प्रयोग किया कि ये जो आप कर रहे हैं वही ये लोग करेंगे बट नाम थोड़ा बदल के हाँ ये वाला काम करते हैं टू मैनेज द एक्सेस लिक्विडिटी और मनी सप्लाई और उसके लिए आर एक्ट में हम सुधार करके ऐसी एक नई चीज़ लेकर आएंगे लेकिन उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा कोई चर्चा में रही नहीं ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई नहीं सो वी नीड नॉट लूज स्लिप कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या अनकोलेट्रलाइज डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इन्फ्लेशन से लड़ना है तो बाजार से पैसा आपने एब्जॉर्ब करना है तो बैंक वालों को बोल दे कि तुम इधर ही सारा पैसा मुझको दे दो मैं तुमको एटीन दूंगा तो बैंक वाले अपना एक्स्ट्रा पैसा इधर डाल देंगे और फिर बाजार में अगर किसी को लोन चाहिए तो एस उसको क्या बोलेगा कि तू 20 परसेंट इंटरेस्ट पे कर तो ही मैं दूंगा वरना तो मैं आरबीआई में जाता हूं उधर मुझे अच्छा ब्याज मिल रहा है सो ऑटोमेटिकली लोन इंटरेस्ट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव एन लाइक दैट इट कैन हेल्प फाइटिंग द इन्फ्लेशन सो दैट इज द आइडिया ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई इसकी मदद से पैसा एब्जॉर्ब कर सकता है ड्यूरिंग डिफ्लेशन वेल इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द ट्रेडिशनल सेंस सपोज आर बी आई यहाँ पर थ्री परसेंट ऑफर कर रहा कराओ फिर बोल दे कि अब टू परसेंट ही करूंगा तो भाई वो तो पहले से ही रिवर्स रेपो रेट और बाकी जगह पर कुछ ना कुछ कर ही रहे थे तो यहाँ पर अलग से इसकी बहुत उपयोगिता दिखती नहीं एनी वेज एज आई सेड डू नॉट लू स्लीप बिकॉज दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड येट तो एस बात खत्म नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने अब तक जो देखा एम एस एफ रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखी जाती थी कोलेट्रल और कुछ सिग्नेचर होता था कि वी विल रीपरचेज दिस थिंग एट अ हायर परसेंटेज हायर प्राइस या तो आर उसको वापस खरीदता अगर रिवर्स रेपो रेट था या रेपो रेट था तो एस वाला वापस खरीदता एम एस एफ था या एस वाला वापस खरीदता मतलब बेचा हुआ माल वापस खरीदा जाता था दैट वॉज द आइडिया लेकिन उसके अलावा एक और भी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसी चीज़ है कि जहां पर आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परमानेंटली बाय करती या परमानेंटली सेल कर देगी वहां पर कोई रीपरचेज एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे कोई बायबैक एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे यानी बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा ब्याज चाहिए तो वो सरकार से मांगो सरकार आपको देगी सो दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन वहां पर रीपर्चेज नहीं रिपर्चेज के विंडो अलग ऑपरेशन मार्केट ऑपरेशन के विंडो अलग वापस आते हैं गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना था सौ करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी छापे आरबीआई को बोला इसको बेचकर कर हम ग्रेलिए पैसा लेके आओ ई ईकूबेर प्लेटफॉर्म से ऑक्शन किया ये प्राइमरी डीलर बैंक एल आई सी सब ने तीस करोड़ का माल खरीदा आरबीआई ने बाकी जो नहीं बिक पाया उतने सेवेंटी करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खुद खरीदी और सामने उतना पैसा गवर्नमेंट को दिया एंड सो वन बी दिस सो नाओ दीन इज लाइक दिस गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ आर बी आई ने जो खरीदी ऐसा करके आर बी आई के पास सेवेंटी करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और सपोज बाज़ार के अंदर द मनी इन द मार्केट इज थर्टी करोड़ जो कैश में है ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये तो कैश में है एंड सपोज मार्केट में ऑनियन का प्राइस चल रहा है वन किलो इज सेलिंग फॉर वन फिफ्टी रुपीज़ तो स्वाभाविक इट इज़ अ सिचुएशन लाइक इन्फ्लेशन बहुत महंगाई है महंगाई से लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा हमने गब्बर सिंह बनना पड़ेगा ये हाथ हमको दे रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी कितनी सेवनटी करोड़ की उसमें से कुछ सिक्योरिटीज वो सेल कर दे सपोज दस करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दे तो यहाँ पर ये है उसमें सपोज एस बी आई वाला उसको लगे कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में जो कैश है वो वैसे भी कोई लोन में नहीं जा रहा है या फिर की लोन में जो चला है उसे यहाँ पर ये जी सेक तो एट परसेंट गवर्नमेंट दे रही है अच्छा लग रहा है सो सपोज दे आर बाइंग दैट यानी उनके पास जो एक्स्ट्रा पहले जो थर्टी करोड़ थे उसमें से दस करोड़ इस तरफ चले जाएंगे और बाजार में अब मनी सप्लाई कितना बचा ट्वेंटी करोड़ ओनली तो मनी सप्लाई अगर कम रहेगा तो धीरे धीरे लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो जो वन किलोग्राम ऑफ ऑनियन सेलिंग फॉर वन फिफ्टी वो क्योंकि अब लोन इंटरेस्ट महंगे हो गए लोग शॉपिंग कम करेंगे अल्टीमेटली इट विल बी रिड्यूस टू हंड्रेड और समथिंग लेस ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आरबीआई ने बेचने को निकाला तो इन लोगों ने खरीदना ही होगा बट द पॉइंट इज इज ये जो अलग अलग प्लेयर होंगे बैंक है एक्सिस कोई प्राइमरी डीलर है एल वाला है उसमें से एक आधे ऐसा होगा कि जिसके पास कैश में तो पैसा पड़ा है बट उसको लगता है कि इधर जी सेक में डालो एट परसेंट मिल रहा है या फिर कि उसका प्लान हो गई शेयर बॉन्ड में डालने का बट वहाँ उसको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा हो सो सम ऑफ देम विल कम एंड गिव अवे द मनी जिसके चलते ये जो थर्टी करोड़ हैं उसके ट्वेंटी करोड़ हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट फिर बाकी सब जगहों पर धीरे धीरे एडजस्टमेंट आएगा वो एडजस्टमेंट कैसे आएगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ग्राफ पढ़ के भी समझ सकते हैं बट हमारा यहाँ पर काम क्या है थोड़े में ज्यादा

ये नोटों की गड्ढिया थोड़ी कम हो गई तो लेस मनी तो बाकी जो पैसा है वो उस पर ज़्यादा लोन इंटरेस्ट लोग चार्ज करना शुरू करेंगे तो अपने आप शॉपिंग कम हो जाएगी तो अपने आप इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं इन लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचूंगा बाजार से पैसा खींच लूंगा और ऐसा करके ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रिया से मैं महंगाई से लड़ूंगा कहते हैं शक्तिदा दास शक्तिकांता दास अब उसका ऑपोजिट अगर डिफ्लेशन है तो क्या करना है जो है उसका रिवर्स बोलना शुरू कर दो डिप्लेशन मतलब ऐसी परिस्थिति कि ऑनियंस आर सेलिंग फॉर जस्ट फाइव रुपीज तो इससे तो बाजार में बेरोजगारी बढ़ जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज सो वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इन ऑनियंस तो यहां पर क्या करना चाहिए स्टेप वन आर कुछ तो ऐसे बैंक होंगे जिनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी या कोई ऐसा प्राइमरी डीलर है जिसके पास सो आर बी आई विल ऑफर टू बाय देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसा करने पर सपोज ये जो इनके पास जी सेक है ये लोग बेच देते हैं आरबीआई को तो आरबीआई उनको सामने क्या देगा नोटों के बंडल देगा तो जो इंजेक्ट किया कैश इंजेक्ट किया या लिक्विडिटी इंजेक्ट करी तो फिर बाजार में पैसा बढ़ गया तो लोन दर सस्ते हो जाएंगे तो अगर चीप लोन्स हैं तो पब्लिक शॉपिंग ज़्यादा करेगी और फिर शॉपिंग ज़्यादा किया तो डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप ऑनियंस विल गेट मोर एक्सपेंसिव इन लोगों से जी सेक खरीदूंगा बदले में इनको पैसा दूंगा पैसा बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो डिफ्लेशन अब स्पीति से अपने आप लड़ सकते हैं दैट इज द थाउजेंड 2013 प्रीलिम का ये प्रश्न देखो इन कंटेक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू वॉट इट इज द बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फ्रॉम आरबीआई वो तो किधर लागू होता है वो तो बैंक रेट एम एस एफ रेपो रेट में बोरो करते हैं तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है इट इज बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड बैंक वाले लोन लोन देते हैं हैं? हैं। सब बिजनेसमैन को। तो तो क्या उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते बोलते नहीं, वो तो ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय ऑपरेशन में बाइंग सेलिंग करता है डिपेंडिंग डिफ्लेशन से उसको लड़ना है and ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें 2012 थाउजेंड ट्वेल्व प्रिलियम से विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी स्टेटमेंट वन परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक सेकेंड स्टेटमेंट डिपोजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक थर्ड स्टेटमेंट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फोर्थ स्टेटमेंट सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू दब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक और फिर ऑप्शन ओनली वन ओनली टू एंड फोर ओनली वन एंड थ्री ओनली टू थ्री एंड फोर एंड लास्टली स्कीप तो यहाँ पर आपका टाइमर शुरू होता है विशाल नवदीप अनिश अपूर्व किरण रोहित मेहुल अमृता हराठी इग्नोरेंट एंड अदर्स ऐसा कोई भी प्रश्न दिखे तो हमने क्या करना चाहिए स्किप कर देना चाहिए नहीं पहले कुछ सपोज इट इज नॉट डायरेक्टली गोइंग इन टू योर हेड तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के लास्ट में होता है स्पेस फॉर रफ वर्क वहां पर कुछ बनाओ एक तरफ आरबीआई है एक तरफ पब्लिक है ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है टिकल नंबर बना सकते हैं तो यहाँ पर जब भी ऐसे तीन चार स्टेटमेंट आए सबसे पहले आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट फाइन करो कि आपको पक्का पता ये तो रॉन्ग ही होगा जैसे कि फोर्थ स्टेटमेंट देखो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक और प्रश्न ये है क्या इसे इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी होगा कि नहीं तो विजुअलाइज करो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और पब्लिक मतलब यहाँ पर ब्रॉड सेंस में पूछा गया कि आरबीआई के अलावा वाले सब लोग तो बैंक नॉन बैंक इन्वेस्टर्स वो सबके पास ढेर सारे नोटों के बंडल हैं आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको बेचेगा तो बदले में वो क्या देंगे आरबीआई को पैसा दे देंगे तो उनके पास ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बढ़ गई बट नोटों के बंडल कम हो गए तो अब क्या बोलेंगे रिजल्ट इज मनी सप्लाई इज नॉट इंक्रीज इनफैक्ट मनी सप्लाई इज डिक्रीज क्योंकि ये जो दो बंडल है वो तो चले गए इस तरफ आ गए RBA की तरफ जो भी पैसा आ गया तो आप बोलते हैं मनी सप्लाई कम हो गया आरबीआई से पैसा जो दूर चला जाएगा तो आप बोलेंगे मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया इट विल नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई वो तो पैसों को सिस्टम में से बाहर खींच लेगा फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो यानी बी चला गया क्योंकि वहां पर फोर्थ स्टेटमेंट बी चला गया स्टेज जवाब हो सकता है या तो ए या फिर सी अब इस स्टेज पर क्या करना है अब तो टिक करना ही चाहिए यू रीड द स्टेटमेंट एंड डू समथिंग फिर भी नहीं जम रहा है तो आंख बंद करके कुछ टिक कर दो सिक्का उछाल के कुछ कर दो फिफ्टी फिफ्टी स्ट्रेटेजी हम देख चुके अब दोनों ही जगह पर आप देख के स्टेटमेंट वन इज कॉमन इट सेज परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक अब विजुलाइज करिए आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीद रहे तो आपको क्या देगी नोटों के बंडल देगी तो नोटों के बंडल पब्लिक के पास आए तो मनी सप्लाई क्या है प्लस 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 इंक्रीज हो रहा है तो वो तो जमता है ओके वन इज करेक्ट नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक कल रात वो तराजू देखा था जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं नहीं करूंगा वाला उसको याद करो आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट उसने मनी सप्लाई करना है एम0 एम0 वो कैसे करेगा कंडीशन इज तराजू की इस साइड एसेट में कुछ होना चाहिए गोल्ड के कॉइन और बुलियन फॉरेन सिक्योरिटीज इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एंड रूपी क्वेंस एंड वन रूपी नोट अब सपोज गवर्नमेंट खुद से आरबीआई से पैसा बोरो कर रहा है तो यानी कि इस साइड पर सपोज और छह लाख करोड़ का वो बोरो करेंगे तो छह लाख करोड़ की प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी एड होगी तो हम जानते हैं उसको सामने ये लोग इतना प्लस सिक्स लाख करोड़ रुपीज लाइबिलिटी साइड में क्वन एंड करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगा राइट बिकॉज द एसेट इंक्रीज तो लाइबिलिटी साइड में वो उतना और एड कर देंगे सो करेंसी सर्कुलेशन उस वक्त बढ़ना चाहिए इस साइड अगर प्लस सिक्स हुआ तो इस साइड भी प्लस सिक्स और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इफ गवर्नमेंट इज बॉरोइंग मोर मनी फ्रॉम आर बी आई एंड देयर फोर

डिपोजिट ऑफ द करेंसी इन द कमर्शियल बैंक पद करो वो पब्लिक अगर बैंकों में पैसा डालती है तो जो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट है इम्प्रूवमेंट इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक तो अपना मनी मल्टीप्लायर बढ़ना चाहिए वो हमने देखा है इट इज में कम था फिर और बढ़ा राइट सो डिपोजिट ऑफ द करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक डज इट नॉट इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोमी ड्यू टू द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट हाँ वो बात तो है कि पब्लिक बैंक में पैसा डाले तो वो लोन डिपोजिट जिक होना चाहिए द आंसर इज यस बट द प्रॉब्लम इज देर इज नो ऑप्शन वेयर वन टू एंड थ्री आर टूगेदर सो फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन ओनली वी हैव टू पिक तो हमने जो एलिमिनेट किया फिर तो बचे ये दो चीज हैं और इसमें भी क्लोजेस्ट आंसर क्या होता है सी वन टू एंड थ्री ऐसा तो भले वो सेकंड स्टेटमेंट वैसे तो करेक्ट है बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमने क्या करना चाहिए जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है उसको टिक करना चाहिए स्किप करना चाहिए क्या वेल नॉट एडवाइजेबल क्योंकि जब तक क्लोजेस्ट ऑप्शन है तो उसको टिक कर देना चाहिए ना व्हाट इज द ऑफिशियल आंसर की 2012 की परीक्षा में ये पूछा फिर आरटीआई लगाई गई तो वहां पर ये सीरीज ए के अंदर प्रश्न था 77 और उसका जवाब था सी तो 77 जवाब क्या है सी एंड थ्री सो आंसर प्रॉब्लम क्या होता है पब्लिक ज्यादा ओवर थिंकिंग में या तो टिक नहीं करती या कुछ और ही टिक करके आ जाती भाई आप एलिमिनेशन मेथड से जाओ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और बीरबल की खिचड़ी मत लगाई डो नॉट वेस्ट टाइम डिबेटिंग आंसर की इन द ऑनलाइन फॉरम्स आफ्टर द एग्जाम इज ओवर इतना टेलीग्राम व्हाट्सएप और ऑनलाइन सपोज प्रीलियम खत्म हो गई आपके अक्टूबर में तो दो हफ्ते तक तो पब्लिक ऑनलाइन बस डिबेट ही करती है असल में अगर आपको लगता है कि ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट नहीं दिया तो यूपीएससी पी खत्म होने के बाद एक सात दिनों के लिए एक वेब पेज बनाती है जहां पर आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉब्लम है और ये वाले बुक में ऐसा लिखा है सो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद अ क्वेश्चन यू कैन अपलोड द कम्प्लेन टू यूपीएससी बट विद इन वन वीक ऑफ द एग्जाम इज ओवर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स ये है कि सब लोग बकवास तो करते हैं बट वहां पर जाकर कंप्लेन कोई नहीं करता क्योंकि सब लोग क्या सोचते हैं वो तो दूसरे करेंगे ना हमें क्यों करना है जस्ट लाइक like कि पर्यावरण को हमने क्यों बचाना है वो तो दूसरे बचाएंगे सो डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट एनी दैट इज वन क्वेश्चन अब ये वाला क्वेश्चन टू थाउजेंड फिफ्टीन प्रिलीम से विथ रेफर टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट वन बैंक रेट स्टेटमेंट टू ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टेटमेंट थ्री पब्लिक डेट स्टेटमेंट फोर

निमिष मनीष मेहुल शुभम मोनिका गुरसिमरन कीर्ति पीयूष शुभम यश अनीष वरुण नरेंद्र इबिन अमित अभय सोनम अमित ममता वीरेंद्र किंजल कशिश आदित्य आरती शिवानी आयुष अमन किरण निर्मलप्रीत नमन रश्मि संभवी सोनामिका आशीष सुब्रत पारस प्रणव अनीश श्रुति विनय एच वकई प्रीति रवि नमन सुहानी किशन दीपक अमृता जोनाथन दीपांश मुदित तरुण ये सब लोग फिर एडिशनली विशाल नवदीप अनिश किरण रोहित अमृता सिमरन मेहुल आरती, इग्नोरेंट सिक्स आउट ऑफ सिक्स करेक्ट सेवेंटी टू परसेंट लोगों ने इसमें करेक्ट आंसर टिक किया जो कि अच्छी बात है आई एम हैप्पी अब प्रश्न ये सर क्या पब्लिक डेट पब्लिक रेवेन्यू ये तो आपने सिखाया नहीं दैट इज राइट लेकिन गब्बर सिंह के पास बंदूक में कितनी गोलियां थी छः फिर वो तीन हवा में फायर करता है हम लोग भी हवा में फायर करते हैं बैंक रेट हमको पता है कि इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन हमको पता है इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तो यानी कि वन और टू ये तो जवाब में होने ही चाहिए ऑप्शन ये हो सकता है उसमें तो टू नहीं है ऑप्शन बी हो सकता है उसमें वन नहीं है ऑप्शन डी हो सकता है उसमें वन है बट टू नहीं है सो बाय एलिमिनेशन व्हाट इज लेफ्ट आंसर इज सी ओनली वन एंड टू सो दैट इज द आंसर इवन इफ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट ये पब्लिक डेट क्या होता है या पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है खैर अभी तो जानने के लिए समझते हैं ये जो आर बनाती है रेपो रेट बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन सी आर और, और सब चीजें उसको हम बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी तरफ से टैक्स के सब अनाउंसमेंट करती है पैसा बोरो करती है सब्सिडी इशू करवाती है वो सब चीज़ों को हम बोलते हैं फीजल पॉलिसी राजकोषीय नीति जो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पिलर में तो पब्लिक डेट मतलब जो सरकार उधारी ले रही है पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार जो टैक्स में पैसा ले रही तो वो सब सरकार की चीज़ें देर फोर दे आर नॉट रिलेटेड लेकिन भले हमको इसका कुछ मतलब पता नहीं हो फिर भी हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से इधर तक पहुंच तो सकें So like that you should approach, ऐसा नहीं कि नहीं दिखे इसलिए तुरंत उसको स्कीप कर दिया जाए नहीं गब्बर सिंह की तरफ गब्बर सिंह छह गोलियां दाग के भी तीन बजती है तो फिर वो क्या करता है अब नहीं करूंगा नहीं फिर भी फिफ्टी फिफ्टी चांस देखकर वो कालिया और सबको आगे बढ़ता है सो वी आर डन विथ टू दिस हमने क्या पढ़ा सी आर आर एस एल आर खत्म किया बैंक रेट एम एस एफ एल एफ रेपो रेट और उसके सब मिलते जुलते एल टी आर ओ टी एल टी आर ओ स्पेशल विंडो फॉर म्यूचुअल फंड ट्राई पार्टी रेपो रेट जो असल में मॉनिटरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बट एज अ वर्ड हमने उसको समझा फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो रेट देखा रिवर्स रेपो रेट देखा स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी देख लिया ओपन मार्केट ऑपरेशन देखा अब आगे जो बचता है वो है ऑपरेशन ट्विस्ट मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम उसके बाद प्रायरटी सेक्टर लैंडिंग और वो सब चीज़ें वो भी हम लोग पढ़ेंगे कल टुमोरो वी आर हैविंग लेक्चर वैसे तो गुरु शुक्र शनि रवि था लेकिन सोमवार को मैंने क्यों रखा है क्योंकि वो बीच में अनअकेडमी समिट के चलते जो एक दूसरी जगह पर कार्यक्रम था तो इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपने ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स है उसमें पेज 41 तक हैंडआउट कल सुबह पढ़ लेना इसकी मैं पावर पॉइंट अपलोड करूंगा बट किधर तक ये एस पी तक क्योंकि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ऑपरेशन ट्विस्ट है वो सब एक साथ अलग मुद्दे हैं तो उसकी पावर पॉइंट में अलग से अपलोड करूँ बट हैंड आउट मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंड रिविजन इज वॉट हैंड आउट ये सब तो जोक मार के या जो भी बनाए फोटो डाल के इट इज फॉर एक्सप्लेनेशन ओनली हैंड आउट से पढ़िए पेज फोर्टी वन कल सुबह वहां तक आराम से देख लेना और कल रात सोमवार बिना बुले आ जाना सो आई लैंड द क्लास सी यू टूमोरो नाइट